हेलो देयर, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दोस्तकास्ट। मैं आपका खास दोस्त होस्ट विनम्र कसाना, एके शात्र। इस एपिसोड के अंदर मेरा एक और खास दोस्त कार्तिक मागो, जो मशहूर पोकर प्लेयर, प्रोफेशनल पोकर प्लेयर, इस एपिसोड पे आता है, भिन्न भिन्न प्रकार के पोकर की बात करता है। आई थॉट हम एपिसोड निकाल देते हैं, बिकॉज दिवाली आने वाली है और बहुत सारे लोगों को मैं तीन पत्ती से हटा के एक नए मैथमेटिकल जुए यानी कि पोकर पे लगाना चाहता हूँ। इन ऑल सीरियसनेस दो, आई थिंक इस एपिसोड को डोंट कंसिडर दिस एज एन एनकरेजमेंट टू स्टार्ट प्लेइंग विद कार्ड्स इफ यू हैवंट प्लेड बिफोर, ठीक है। दिस इज जस्ट अस शेयरिंग आर एक्सपीरियंसिस, वट एवर। डिस्क्लेमर, एक और इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर ये है, इस पॉडकास्ट के अंदर बीच में लाइट चली गई थी बिकॉज हमारा इन्वर्टर फूक गया था। हैशटैग थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस चक्कर के अंदर ये बड़ा ज़रूरी है कि हम लोगों ने चार जगह ऑडियो बैकअप करा था, सारी जगह ऑफ हो गई, तो वी हैड टू रिकॉर्ड अबाउट 20 मिनट्स ऑफ द पॉडकास्ट ऑन माय फोन व्हिच हैज़ अ डिसेंट माइक। सो प्लीज़ बेयर इन माइंड कि हम लोगों ने वो करा, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। एन्जॉय दोस्तकास्ट, एंड ऑफकोर्स इफ यू वॉन्ट ई मेल्स फ्रॉम मी वेयर आई टॉक अबाउट ऑल द कूल थिंग्स आई एम डूइंग, द आइडियाज दैट आई हैव डिस्कवर्ड, और क्या बढ़िया किताबें मैं पढ़ रहा हूँ, तो आई सेंड एन एक्सक्लूसिव न्यूज़लेटर एवरी वेंसडे। इट्स टाइटल्ड विजडम, सॉरी वेंसडे फॉर नाउ, दैट यू कैन चेक आउट। उसको साइन अप करने के लिए गो टू writinghabit.in और वहां जाके साइन अप कर लो, एंड यू विल रिसीव दोज ईमेल्स फ्रॉम मी। नाउ ट्यून इन एंड एंजॉय दिस दोस्तकास्ट एपिसोड विद माय गुड फ्रेंड कार्तिक मागो। वेलकम टू दोस्तकास्ट ब्रो। कार्तिक ब्रो, मतलब यू हैव टर्नड ऑल माय डियर फ्रेंड्स इनटू पोकर प्लेयर्स। सबसे पहले तो जो रजत शर्मा के कटघरे में तुम पे इंजाम लगा है वो ये है। बिफोर वी गेट इनटू एनीथिंग एक्चुअली, बिकॉज आई हैवंट स्लेप्ट द एंटायर नाइट, आई हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क फ्रॉम यू अराउंड पोकर ओनली, बिकॉज यू आर द ओनली प्रोफेशनल पोकर प्लेयर इन माई नेक्सस, जब तक कि मैं डैन मिल्ज़ेरियन को नहीं जानता। तो आई गेस सबसे पहले, सिंस दिवाली सीजन इज कमिंग, व्हाई हैज पोकर नॉट कॉट ऑन in India still, as opposed to teen patti, which is pure gambling? Okay, but if you, it has caught on. Mic ko pass kar le thoda aur. You'll have to get in closer. Wait. Haan. Like, good now? You can, haan. Sweet. Yes. Perfect. Yeah. Sorry, I just had a call. Like I was saying, bro, simply yaar, kyunki, I mean, you're the person who plays the most amount of poker in my life, jo maine dekha hai, and I've been playing for a decade or so, more or less. पता नहीं लोग तीन पत्ते के दीवाने क्यों हैं इस सेंस में। I've played both games and poker is the far more rewarding one. Plus, look, तीन पत्ती is a pure gamble. In poker, you still have to use some amount of skill. Poker में there are still different betting rounds. तीन पत्ती is like हाथ में तीन पत्ते आ गए, उसे बस bet कर रहे हो. Right. So just is that quick rush, quick dopamine hit की जल्दी जल्दी पत्ते आ रहे हैं, bet कर रहे हो. It's like how any gambling game works. Like as compared to poker, if you look at roulette or blackjack, वो ज़्यादा क्यों चलती हैं? Right. They are pure gamble games, and वो उसका रश एक अलग होता है, poker का रश एक अलग होता है. And to play poker is not like you play 3 hands, 4 hands and you're done with it. If you're playing poker, if you want to get the full rush of it, you have to be playing for 6 to 7 hours. Like 6 to 7 hours. Yeah. You have to sit through the night. You have to go through the highs and lows. You're winning. You're very high. Then you have a cold run going on. Then you lose. So you have this whole emotional ride that you go on, and you also need to learn how to control it. Control the outcomes. Yeah. And how to control your emotion and how not to involve all X, Y, Z things, your ego, your feelings and everything in the game. So it's a whole different ballgame when it comes to poker. One of my notes says alcohol, intuition and poker. Theek hai? Yeah. Because again, I'm not a good poker player. You have certainly seen me bomb a bunch of times. But I am far better than I once was when I first started. हाँ, जिस तरह से तू approving nods कर रहा है. No, because I think I realized much later on कि the way professional poker players conduct themselves, even the way you conduct yourself, you're not there necessarily to have fun by drinking and playing. मतलब तुम दारू, you play to win. And ये चीज़ ना इतनी, ये चीज़ इतनी सटल है, because I feel like most people who sit on the poker table for the first time don't play to win. Yeah. They just play to, भाई चल रहा है poker. Yeah. कि हाँ ठीक है, fun है, कि हाँ कुछ करने के लिए मिल रहा है. And so, okay, that is what people who actually play poker, they look for these players on the table, that okay, ये सिर्फ मजे लेने के लिए आए हैं, और they are just having fun.
लेट्स कैप्चर देम, लाइक लेट्स टारगेट देम, लाइक ओके वी विल टारगेट देम एंड वील प्ले अगेंस्ट देम. लाइक इफ यू ओके इफ यू प्लेइंग ऑन अ 7-hand टेबल, यू नो 3 प्लेयर्स आर गुड, 4 प्लेयर्स आर गुड, एंड यू कैन जज द लेवल ऑफ द प्लेयर्स, राइट? सो यू ट्राई टू सी ओके विच प्लेयर एम आई गोइंग टू प्ले अगेंस्ट नाउ, whose game am I going to try to read the most, and who will I try to play the most. And when you find these players, jinko pata hai, like you get kya chahiye, to sir mazi lene ke liye aaye hue, ye to haan, they want to drink, they just want to have fun, you play against them. I'm wondering, jaise har game ke andar there are some, there is an opening arrangement, jaise chess ke andar hota hai na, ki bhai sare black wale ek taraf hain, at the edge, and on the white, same edge pe ho, okay? That's the opening arrangement, that's how a game starts. Then there are some objects to play with, right? Yeah. The pawns, etc. Then there are some rules. Finally, there is a goal in mind. Ek, the way poker starts, Texas Hold'em poker at least, jo sabse common hai, jo hum log khelte hai, right? Yeah. Wait, hold on. I should probably get more in the camera, right? Yeah. We should actually sit like this, though. It'll make it easier. Sorry, bro. Maine kabhi kisi podcast kaise itni mehnat nahi kara. Aaj thoda zyada hi hybrid setup. It's a new setup. Yeah. It's a new setup. Nayi gaadi bina plastic ke cover ke saath chala rahe hain. To haan, anyway. To with poker, 5 cards on the table, standard, right? Everyone gets 2 cards each. Us situation ke andar, what's the first thing that you do? Maine ek do videos dekhi YouTube pe, like people say shit like, ek kaam karo, अगर तुम जस्ट लेफ्ट द डीलर यूर सॉर्ट ऑफ फक्ड, राइट? बिकॉज़ यू आर स्मॉल ब्लाइंड इन अ सेंस, सो यू कैन रियली मेक एनी बिग मूव्स एटसेट्रा एटसेट्रा. व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू डू? सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स आर डिफरेंट प्लेयर्स डू. ओके, सम आर दे विल नोटिस हाउ पीपल आर पिकिंग अप द कार्ड्स एंड इफ दे हैव सम सॉर्ट ऑफ अ रिएक्शन टू इट व्हेन दे सी द कार्ड. So if you're playing, everyone has their cards. I won't be looking at my cards. I'll be just looking at everyone picking up their cards, and when they're picking up their cards, how they're reacting. That's crazy. I just looked at my cards. Yeah, exactly. So you look at the player. Did they get pumped up all of a sudden? Did they move ahead? Yeah, did they slouch down? What was the body reaction to the cards? You get a feel of their hand at that moment. You know, okay, are they strong? Are they weak? This is one thing that you do when in the beginning of the game. Then you look at your position. Okay, where am I playing? Like, okay, how you said that the person who is the small blind, like the next left of the dealer. Right. So some people really like that position. Some people like to be either a dealer or the last person to be playing. So, okay, it's all the strategy that you want to apply. Do you want to be the first person to act? Do you want to be the aggressor initially? Or do you want to be, you want to wait it out, see how everyone in the round is acting, and then you make your move. Right. I have another question that I would like to ask you. Yeah. I was mathematically traumatized in school, right? Matlab, ek age tak I was fine, and then 11th mein I got 33 and a half. At which point Amita Selly ma'am told me and my parents ki yaar ye maths drop kar do, maths theek rahega. So wo usse kya hua, we all the way till my adulthood, even till now, up till recently, I used to believe ki yaar whatever this math shit is, I'm not going to be good at it, whatever, I will build skills in other areas. However, uski jo kami hai, that lack thereof, is always felt. So I started working on it and I've made some tremendous improvements. Okay. Maine notice kara, at least on the poker tables that, you know, our friends play at. Anyone who's a great logician, good at mental math, slightly does better at the game. Yeah. It's all like, there is a bit of math involved in the game. There's a bit of math, yeah. But it's not completely mathematical. No. You can play completely mathematical, but you won't necessarily win that way. There are people who try to do that, but it's an old traditional way that people used to play only by math, only by calculating the odds. But then again, wahan pe the whole psyche, the factor of psyche comes in, okay, when you're playing the person and not necessarily the cards. Psychological warfare, yeah, all that. So but wait, then where numbers help you is calculating ki acha, if I'm going to put 100 bucks in and pot mein total 500 pade hain, so meko 1:5 ki return mil rahi hai. But do my cards support that 1:5 ki return or do they don't? Like if you want, I can go in depth. For sure. Please go. So, okay, suppose there are only 6 cards that can help you. So, flop already khul chaka hai, 3 patte khule hue hain, 2 patte bhi khulne hain. And in total, there are only 6 cards that can help you. So, the probability of any one of those 6 cards opening up is six going to be 6 upon 52. Yeah, no. 6 upon like whatever remaining. Jo bhi cards khul gaye hain, right? And that basically comes down to 6 multiplied by 4. Right. So 24%.
they have a 24% cards that one of those six cards will open up. And you are sure that, okay, if one of those six cards open up, you will win. So you have a 25% chance, 24% chance of winning the hand. कि तू इतनी तेज से ये कैलकुलेशन कर पाता है मन में जब चल रहा होता है. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग एटलीस्ट लाइक कैजुअली से कंपैरेटिवली एटलीस्ट तूने थोड़े टूर्नामेंट्स वगैरह तो खेले हैं. 12-13 years सेवेंथ ग्रेड. लेट्स गो ऑल द वे बैक. ठीक है लेट्स गो टू द फर्स्ट टाइम यू डिसाइडेड टू प्ले पोकर. नहीं आई विल टेल यू व्हाई. ठीक है फेसबुक जंगा पोकर रिप्रेजेंट. हाँ हम लोग ने तो अभी लॉकडाउन में रिसेंटली खेलना शुरू करा सिंगू का. व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम यार मैन. असली गेम खेल लो उससे बढ़िया. मैं जो एक एक मिलियन की गेम पे ऑल इन जा रहे हैं. और मतलब इट्स सो वियर्ड इन जंगा पोकर लाइक रितिन वोंट इवन प्ले लाइक अ $1 million गेम. $5,000 की गेम खेलता है व्हिच इज सो वियर्ड. एनीवे मेरे को ऐसा लगता है देयर इज अ सर्टेन रिस्क टेकर हु गोज टू थिंग्स लाइक पोकर क्योंकि इसकी कॉन्ट्रोवर्शियल रेपुटेशन है. हिंदी में तो जुआ ही बोलते हैं राइट. सो यू गेट लाइक ऑल दैट बैड कॉनोटेशन सो इट शिफ्ट्स पीपल आउट. जुए से नीचे फिर तीन पत्ती देन देयर इज सट्टा एंड देन लाइक इवन मोर इट जस्ट गोज डाउन एंड डाउन एंड डाउन. मैं आई वाज फैसिनेटेड विद डार्क शेडी कैरेक्टर्स गलत काम करना शुरुआत से एज से. तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई आई हैड अ प्रोक्लिविटी फॉर सर्टेन थिंग्स या कुछ लोगों के लिए. बट लाइक इन सेवंथ ग्रेड इट्स नॉट लाइक कि बाकी सातवीं क्लास के बच्चे तुझे कह रहे होंगे भाई आओ पोकर खेलते हैं. हु लाइक इज इट बिकॉज यू वर ऑलवेज लाइक दिस दैट बड़े बट आई एम ट्राइंग टू आस्क लाइक what kind of people does poker attract really and how did you get into it? So okay, in general, if like you know me, I am really into numbers. Like I've always been good with numbers. I am a quant guy and then yeah you are a quant guy. Quant guy like I am interested in quant, like basic quant. Acha quant. I thought mujhe laga tu keh raha I am a quant guy. Maine kaha tu publicly admit kar raha hai jo mujhe itne saal se pata tha. There is nothing like that. Just to say that out. Anyway yeah. And then it's always been the psychological factor. And okay, you get to make money. It's like the exchange of money hand to hand that gives me a different rush. Ever just since I've been pure hard cash. Yeah. Huh. So all of these things in total attracted me towards the game. And up to khair, you know, with all the online apps, etc. coming, YouTube pe bhi bade bade YouTubers promote kar rahe hain poker ko. It's sort of become different, but I can imagine जब मैं छोटा था आई न्यू कपल ऑफ गाइज वुड गो टू प्ले पोकर या कार्ड्स खेलने जाते थे. कुछ कुछ बड़े भैयाओं के पास स्पेशल टेबल्स हुआ करती थी जहाँ पे खेला करते थे. आई यूज टू कंसिडर द होल बिजनेस वेरी स्कैंडलस एंड शेडी. क्या ऐसा था और वॉज इट रियली जस्ट लाइक एटलीस्ट इन फरीदाबाद वेयर यू वर फर्स्ट बिगिनिंग टू प्ले. बोथ ऑफ द थिंग्स यू हैव द गुड गेम्स यू हैव द बैड गेम्स. मतलब यू हैव ओके लाइक दीज शेडी गेम्स एब्सोल्युटली शेडी गेम्स लाइक देयर हैव बीन गेम्स वेयर या यू कैन इमेजिन दी हाउ मच लाइक थिंग्स कैन गो रॉन्ग थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग. क्या मतलब गन वन निकाल दी लोगों ने. सही में या लाइक लेजेंड पेमेंट के ऊपर नहीं दे रहे नहीं दूंगा ईगो आ गई कैसे हरा दिया तूने ये कर दिया शराब पी ली एक्स वाई जेड थिंग्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपन इवन इन पोकर. या लाइक इवन नॉट इन पोकर इट्स लाइक ऑन द टेबल प्लस okay when you're playing with you people that you don't know or like okay if you're playing with seven people you know five of them. Mein bol sakta hai tu. And I'm much more fluent. Acha theek hai theek hai anyway. Ha so you don't know everyone on the table and you don't know how everyone reacts. And age range bhi isme different hai right or yeah, professions bhi yeah. They're all bilkul alag professions alag age range. So we like I have like jo main happy bhi fir aadmi jo games hain some are very good games like home games, people who have been studying in Stanford, people who work in Bain, like consulting companies, XYZ things. And then you have the other games as well, which are the absolute shady games. Hookah bar ke piche wala operation. But wait, so you figure out achha kahan pe kya chal raha hai, you meet people, fir wo apne aap game set up ho jati. You find your own people to play with. और उसके बाद गेम्स बन जाती हैं. I'm जैसे कि I exactly know what you're saying. मतलब I've had similar experiences with different things which I will not get into. Tum bahut cheeze dhoondte ho finally you find like that sort of thing that works for you. As a 7th 8th 9th grader navigating through honestly the shady poker bars of Faridabad ya aise bhi even playing wo I mean were you perceived as like ye to bachcha hai were there encounters where maybe your life was on the line. So I started with all of this in 11th 12th grade like aise khelna
लाइव गेम्स और फरीदाबाद के अंदर गेम्स है डेली गेम्स दैट आई स्टार्टेड इन टुवर्ड्स द एंड ऑफ 11th. उससे पहले आई वाज ऑल ऑनलाइन एंड हाउ आई स्टार्टेड लाइक आई यूज्ड टू प्ले ऑन जिंगा काफी अच्छा खेलता था. देन आई हैव माय एल्डर ब्रदर लाइक हु इज 7 इयर्स एल्डर टू मी. ही वाज डूइंग हिज इंजीनियरिंग इन मणिपाल एट दैट टाइम एंड मणिपाल भी फिर अलग ही इट हैज अ डिफरेंट अप्रिटेशन ऑफ इट्स ओन राइट. सो वहां पे होता था दैट 10,000 चिप्स यूज्ड टू गेट सोल्ड फॉर 1,000 बक्स. लाइक सिंगा पे लोग किसी के पास है कि भाई हाँ ठीक है मेरे को खेलना है तो मतलब 1,000 रुपए ले ले और मेरे को ट्रांसफर कर दियो 10,000 सिंगा पे. सिंगा पे व्हाट इट्स लाइक एंड माय ब्रदर टोल्ड मी दिस कि मेरे कॉलेज में ये चल रहा है. आई एम लाइक आई प्ले ले लो मुझसे. यू पेड रुपीस इन कोल्ड हार्ड कैश टू गेट डिजिटल मनी. आई गॉट कोल्ड हार्ड मनी फॉर गिविंग प्लेइंग चिप्स जिंगा के टू पीपल. भाई आज के ज़माने में लोग पबजी के अंदर स्किन्स बेच के सेम काम करते हैं. आई एम जस्ट सो दिस इकॉनमी इज ऑपरेटिंग योर जस्ट किड एट दिस पॉइंट. नो वन इन योर स्कूल लाइफ नोज कि तेरी एक बहरूपी आइडेंटिटी है तू ये करने जाता है. एंड लाइक मे बी अदर बिकॉज मैं बताता हूँ व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड लिसनिंग टू फॉर एग्जांपल रॉक एंड रोल आई वाज द ओनली वन. मतलब एक या मैं कॉन्सर्ट जाता था या मैं कुछ और चीज़ें करता था तो मेरे साथ कोई और नहीं करता था वो चीज़ें राइट. सो इन दैट सेंस वर यू जस्ट अलोन in trying to like figure out this whole poker? No. Nahin? No. That's okay. Like, yeah, my elder brother, he plays poker, but he plays only for fun. But he used to be the one who would put money into all the bank accounts. I did not have a bank account at that time. He did. So I still remember, tab India mein koi site bhi nahi thi. Tab to ye India mein poker baaz hi, nine stacks, whatever, ye to abhi aayi hai. Pehle se wo poker stars, triplet poker, ye saari European sites hoti thi. Wo apne card se paise transfer karta tha, un saare पोकर अकाउंट्स के अंदर और फिर मैं खेलता था कंपनी के लिए खेलता था. आई स्टिल रिमेंबर प्लेइंग पोकर 18 आवर्स अ डे व्हेन आई वाज इन 10th. लाइक 18 घंटे मैंने समर वेकेशन में खेला था. लाइक सुबह उठा लैपटॉप ऑन करा खेल रहा हूँ रात को सोया हूँ लैपटॉप बंद करा बस. तो बहन अगर 10वीं क्लास के अंदर तो वो जमाना था जहाँ फ्लिपकार्ट से भी कैश ऑन डिलीवरी सस्पेंशन में देते थे बिकॉज जस्ट ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वर सुपर शेडी. बट वेट दिस वाज ऑल ऑन ये सारी गेम्स होती थी यूरोपियन साइट्स के ऊपर. लाइक आई यूज्ड टू प्ले ऑन ट्रिपलेट एंड पोकर स्टार्स. सो दे हैव ऑलवेज बीन लीगल रिकॉग्नाइज्ड वेबसाइट्स अब्रॉड. आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ब्रो. इट्स मोर अबाउट सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटीज दैट कम टू पोकर. जैसे कि हम लोगों ने भी इस टेबल को जहाँ बैठ के पॉडकास्ट इस टेबल पे एक टाइम पे 11 लोग भी बैठे थे. लाइक हमने महोत्सव भी करे हैं इस तरह के. ठीक है अगेन आई नेवर प्लेड पोकर. आई एक्चुअली लर्न पोकर फ्रॉम हिम कपल ऑफ अदर फ्रेंड्स इन लॉकडाउन के अंदर ही सीखा. अक्षल के भाई की जब शादी थी उस टाइम पे हम लोग उस टाइम पीक चल रहा था क्योंकि हम लोगों ने उसके फंक्शंस को छोड़ के हम लोग जैसे आंखों देखी में पत्ते लेके बैठ जाते हैं ना हम पत्ते लेके बैठ गए थे मैं भाटिया और एक और हमारा दोस्त. तो मैं एक रिस्क टेकर हूँ मुझे मज़े आते हैं करने में और दोस्त भी हैं. बट लाइक हमारे ऐसे भी कुछ दोस्त हैं जो बहुत पैसे हार के जाते हैं और अपना नुकसान कराते हैं हर बार आके. और बुरे फेजेस सबके भी होते हैं पर कई लोगों पे पनौती होती है. सो व्हाट आर द सॉर्ट ऑफ पीपल हु शुड नेवर प्ले पोकर. जिन पे एक तो पनौती लगी हुई है भाई अगर पता है कि नहीं पत्ते बट रहे नहीं हिट हो रहा उठ के चले जाओ. हाँ एंड सेकेंड पीपल हु जिनको समझ नहीं आ रहा कि अच्छा ठीक है गेम का फ्लो क्या है हाउ टू रीड पीपल बैट कैसे मारनी है और जो मैथ नहीं समझ पा रहे लाइक जो बेसिक मैथ नहीं समझ पा रहे. सो टॉकिंग अबाउट दिस फेमस टर्म कॉल्ड पोकर फेस. या है ना भाई पोकर फेस पे लेडी गागा ने गाना भी बना दिया. ठीक है ना जैसे समर है ही इज ऑलवेज सिटिंग इन पोकर फेस ऑल द टाइम. हिज फेस इज स्टिफ बट हिज एक्सप्रेशन हिज गिव अवे उसके क्या पत्ते हैं राइट. एंड ही स्माइलिंग एंड ही ब्लशेस कह रहा हूं bluffs like crazy also. ठीक है बहुत bluffing करता है. You fuck I have no idea तू कैसे खेलता है क्या करता है but you just make a so you intimidated by numbers by making very random bets like 470 की bet. ठीक है so your mind is used to patterns like 400 300 you break patterns like that. प्रखर वो क्या करता है कि सबसे ज़्यादा बातें कर करके right. ठीक है कि ऐसे so just like saying more stuff. अमन गर्ग just sits back quietly एंड धीरे से अपनी चिप्स में से निकालता है ऐसे और 800 हाँ जस्ट लाइक दैट. अनिरुद्ध हैज दिस थिंग कि वो निकाल के जस्ट स्टैक्स बनाता है ऐसे एंड सबका मुंह देख के वो बेट करता है क्या है क्या नहीं है. इन ऑल दिस पीपल अगेन मोस्ट ऑफ दिस पीपल आर नॉट गुड पोकर प्लेयर्स. ठीक है हु इज द वर्स्ट. यू कैन से मी यू कि मैंने बहुत बड़े स्कैंडल करे हैं.
But me, I haven't actually lost that much money. That's true. Huh, you haven't lost that much. Actually, one big one night, I still remember. मेरे लिए तो जब हमने start ही करा था, जब हजार की buy-in होती थी, I remember winning 11K, 14 भी जीते थे एक बार. But no, like who is the worst player in our friends? This is just those cast. तो ये हमारे अपने दोस्तों को riff करने के लिए सबसे घटिया player कौन है? On our table, Aman Gulati. अच्छा मैंने वहाँ पे हाँ, बट उसके अलावा बिकॉज इज अ तीन पत्ती चैंपियन. या तीन पत्ती चैंपियन. सो ये है ना, दिस स्किल डज नॉट ट्रांसलेट वो, क्योंकि वहाँ पे वो जो वाली मेंटालिटी आती है, अच्छा हाँ ठीक है, बस पत्ता आ के हिट हो रखा है, बेट करते रहो, नॉट थिंकिंग दूसरे के पास क्या हो सकता है. क्योंकि तीन पत्ती में तो इतना दिमाग नहीं लगाते कि दूसरे के पास क्या होगा, उनका क्या बन रहा होगा. बट अदरवाइज देन वो भी या I would say Bharat Gupta, but he stopped playing with us. He lost a fuck ton of money. Anyway, moving on. Even Prakhar, Lubi and Prakhar, I would say. हाँ, वो भी. मैंने भी अच्छा एक चीज और देखी, जैसे ये verbal warfare की बात है, तो मैंने देखा कि मैं और प्रखर गैंग अप करके तेरे को बहुत परेशान करते हैं poker player में बहुत ज्यादा, कि मांगो तो चोर है, मांगो तो कौन है, मांगो तो जुआ, right? It does get to you sometimes. At times it does, but otherwise, वापस वही, you have to control it. You have जिसको जो बोलना है बोलने दो, हाँ करने दो बकवास. लाइक इट्स एट द एंड गेम क्या चल रही है, एंड दैट इज व्हाट आई सी. हैज पोकर हेल्प्ड यू बेटर रेगुलेट योर इमोशंस इन रियल लाइफ? फॉर श्योर, मच मोर. इट हैज मेड मी मच मोर पेशेंट. लाइक ओके, सिटिंग ऑन अ टेबल फॉर 8 hours एंड गोइंग थ्रू दिस, जीत रहे हो, हार रहे हो, बिल्कुल लॉस में चले गए, फिर वापस रिकवर कर रहे हो, तो इट मेक्स यू कंट्रोल योर सेल्फ बेटर. It definitely does. We've never played an 8-hour game. Yeah, never. है ना, यहाँ पे we've played tops of 2-3-4 hours. अच्छा, just by the way, मतलब मैं इसे कंडोन कर देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे 16, 17, 18, 19, 20 साल के बच्चे भी देखते हैं इसे पॉडकास्ट को. तो अगर तुम्हें पोकर खेलना है, प्ले एट योर ओन, यू नो, लाइक वट एवर, लाइक अपने खुद की मर्जी से खेलना, ऐसे मत खेलना बिकॉज हम कह रहे हैं. फ्रेंकली आई थिंक थोड़ी बहुत परचेजिंग पावर एंड लिटिल बिट ऑफ रिस्क एपेटाइट. प्लेड फॉर फन, प्लेड हाँ मजे के लिए घर पे खेल रहे हो, मोनोपोली मनी के साथ. बट आई विल से दिस दो, एंड आई विल से दिस वेरी कॉशियसली, प्लेड ऑल दीज इवन जिंगा फॉर अ व्हाइल, चाहे टेबल पे 500 रुपए का नोट भी होता है ना, जस्ट इट जस्ट इट्स रियल स्टेक्स, इट्स रियल मनी, इट्स रियल मनी दैट यू आर प्लेइंग विद. दुनिया में बहुत सारे बिग बॉय गेम्स होते हैं. एक स्मॉल बॉय गेम होता है कि स्कूल में दूर से क्रश को देखना, उसको देखना, उसका हाथ पकड़ना. बिग बॉय गेम होता है कि डेट पे जाना, और फिर यू नो इवेंचुअली इट मैनिफेस्ट टू लाइक whatever it manifests into, right? तो ऐसी small boy game है monopoly के लिए घर पे खुश होना, और big boy game है पैसे लगाना. तो जब मैंने पहली बार poker खेला ना, इनफैक्ट जब मैंने पहली बार, हम किसी के प्रांजल के घर पे गए थे और दिवाली पार्टी थी, आई नेवर अंडरस्टूड तीन पत्ती, लॉस्ट, आई वाज जस्ट ड्रिंक एंड कुछ भी करता था मैं. आई प्लेड, अक्स मेरे को सिखा रहा था कैसे कैसे खेलना है, एक्चुअली वन बिग, एंड इन अ पैनिक मैं कह रहा हूँ बस अब मैं जा रहा हूँ, ऑल द टेबल गॉट पिस्ड ऑफ की, अरे यार ऐसे कैसे जा सकते हैं, but then I started playing poker here, and the first time I lost and the first time I won. Yeah. Achha, aise hota hai adults ke duniya mein. For me it's a very weird thing, because I never, like I did all kinds of other initiation rituals, but never, you know, like gambling with money. Yeah, but boy, like if you're playing poker, I really don't like when you call it gambling. Like gambling. You are betting on your own hand, your own skill, ki tum अपनी कैपेबिलिटीज, लाइक व्हेन आई प्ले पोकर आई प्लेड बिकॉज आई एम बेटिंग ऑन माय ओन कैपेबिलिटीज, मैं अपनी अपनी गेम और अपने उस ग्रो कर रहा हूँ. सेल्फ हेल्प है, क्वाइट लिटरली सेल्फ हेल्प है. हाँ, यू राइट, यू राइट, बिकॉज ऐसा भी कितनी बार होता है इन आवर टेबल्स, पीपल हैव ग्रेट हैंड्स एंड दे लूज. या चल, हमारे टेबल तो कम हुआ है कि हमने प्रॉपर से खेला नहीं, बट कि कोई उठ के चला गया, यार बस मैं नहीं खेल रहा, और ये क्या हो रहा है, कि परेशान कर रहे हो मेरे को. This happens a lot on tables. Even if you have seen, तूने Phil Ivey और तूने Phil Ivey, I've seen Phil Hellmuth सबसे ज़्यादा नखरे करता है वो. और निगरानों के अगर तूने, you have seen both of them going at each other. Mike थोड़ा सा और पास कर ले. Phil Hellmuth कितनी बार टेबल छोड़ कर गया है कि यार बस मैं परेशान हो गया हूँ अब. हाँ. Like वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता उस मोमेंट के अंदर. Yeah, he's not a very likable guy. मैंने I've seen his compilations. वो बहुत शोर मचाता है टेबल के ऊपर. पोकर स्टार्स कैसे, आई विल से दिस, डैनियल निगरानो की मास्टर क्लास भी, फिल आईवी की मास्टर क्लास भी है. आई वॉज रीडिंग डैनियल निगरानोज विकीपीडिया, आई वॉज सरप्राइज टू फाइंड की अपेरेंटली हैज सम काइंड ऑफ अ साइकिक एबिलिटी, क्योंकि ये पहले सुपर मार्केट में काम करता था, ही कुड जस्ट
defeat people left and right. Okay. With him, it's for me, it's like understanding ki ek aisa insaan jo completely shifts what a poker player can be. Generally, you would imagine cold, calculating, stiff. He's the happiest guy on the table. Yeah. And he's chatty. He's chatty. He is very chatty. And that is how he gets hints from people. He gets a read from people ki तुम कैसे रिएक्ट कर रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, तुम कहाँ पे कौन, जब मैंने अगर कोई तो बोला कि तुम्हारे पास एस किंग है, तुमने क्या रिएक्शन दिया, कि तुम कैसे रिएक्ट कर रहे हो, और अगर तुमने मना कराया, तुमने हाँ बोला, सो दैट इज हाउ ही ट्राइज टू गेट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ पीपल. राइट. इन टर्म्स ऑफ जस्ट प्लेइंग मोर एट द पोकर टेबल, आर देयर पीपल हु आर वेरी हार्ड टू रीड? Yeah, like what are some tells ki yaar I cannot exactly see kya kar raha, because I remember kuch saal pehle maine I watched a Karan Singh magic video where he was talking about like the power of suggestion. For example, if he wants you to choose a number from 1 to 7, yeah, wo subtly aake apni ungliya se karega yahan pe 3, right? So tumhari aankhon ne directly register nahi kara, but your visual field has seen it, right? So does that happen a lot on tables as well? Not exactly. In a way, it does happen. Like, वही face reading or body language reading थोड़ी चलती है. अगर किसी, like, if anyone wants to learn about it, किसी को पढ़ना है, there's this one book called Caro's Book of Poker Tells, 1972 में बंदे ने लिखी थी. Still one of the OG books. Yeah. To learn. Yeah. बस उसमें यही है कि लोगों की body language कैसे read करो poker table के ऊपर. और वो अलग अलग लेवल स्पेसिफाई करता है. अगर वो एमेच्योर प्लेयर है तो वो कैसे रिएक्ट कर रहा होगा, इफ ही इज अ मीडियोकर प्लेयर वो कैसे रिएक्ट कर रहा होगा, एंड इफ ही इज अ प्रोफेशनल उनकी बॉडी लैंग्वेजेस कैसे होती हैं. या फॉर एग्जांपल, सॉरी यू आर सेइंग, नो नो कंटिन्यू. फॉर एग्जांपल, पहले तो आई वुड जस्ट इट वुड शो ऑन माय फेस व्हेन आई वाज फर्स्ट स्टार्टिंग आउट, एंड नाउ हम जब भी खेलते हैं किसी को लगता है कि मेरे पास कुछ आया है, आई डेलिबरेटली डू इट इवन दो आई हैव नथिंग, एंड एवरीवन इज कंटेंट इन द फैक्ट कि हाँ हमें पता है इसका कोई बड़ा पत्ता है, हालांकि मेरे पास नहीं भी होता, बट इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग आई जस्ट लेट दैट हैपन. वन टू, आई हैव आल्सो नोटिस्ड कि इफ आई गेट गुड कार्ड्स लाइक मेरा मन होगा जंप अप करने का, बट आई कीप रिमेनिंग स्लाउच्ड टू सिग्निफाई कि ऐसा कुछ है नहीं. दिस इज आल्सो टेल व्हेन पीपल हैव रियली गुड कार्ड्स, दे जबरदस्ती दिखाते कि भाई हम बहुत वीक हैं. Crazy. This is a very common tell, a common act that people put on. So, if I were to reverse it, I'd be like, "Oh my God, kamal patte aaye hain." So, boy, and plus this, you have to change it against the people that you're playing with. अगर एक same table पे भी तो एक बंदे के against different उसको cues देने की कोशिश करेगा, दूसरे बंदे को different cues देने की कोशिश करेगा. तो वही, like you have to keep on mixing your game up. Yeah, when I watch Bhatia play, he does this death stare at the end. Jaise when it's usually me and him, right? And agar maine ek do whiskey khas kar pi rahi hu, main uski aankhon mein wapas karta rehta hu. Irrespective result kya ho, it's stupid at the end. But it's weird, like what kitni sari different tactics log use karte hain. You know, like haathon ko malna और या फिर डिसइंटरेस्टेड होके यहाँ वहाँ देखना. I have my favorite one. पत्ते खोल देना अपने. A certain friend who will not be named. I like that's the most stupid one because it just ruins the game for all the watchers. जितने भी लोग वही, that is the best one कि भाई मेरे पत्ते ही हैं, अब तू बता तू क्या करेगा. You like that? Yeah. I don't know, bro. For me, it's like whatever. What are some other tells that are like? Especially for amateur players, जैसे कोई शुरू कर रहा है पोकर खेलना, right? So, and this is the tell that every amateur player has, even mediocre players. Like ये तो बहुत common, like handshaking. If they have good cards, voice deep हो जाएगी कि हाथ सिर्फ ऐसे करने शुरू हो जाएंगे, like when they will be putting money in, हाथ ऐसे ऐसे वो कर रहे होंगे. Because वो जब वो bluff कर रहे हैं, they will be trying to portray that confidence कि we have a good card. तब they will be very confident of putting the chips in, या फिर जो उनके body language होगा, that it is coming off as confident. Right. पर वही जब उनके पास काफी अच्छे cards होते हैं, then they are nervous and they are like, अच्छा अब क्या करें, बहुत अच्छे पत्ते आ गए, कैसे पैसे ले, कि वो excitement हो रही होती है, that shows when they are putting the chips in or whatever, like hand movement is a very common thing. But हाथ कांप रहे होते हैं, or is it just they just get more fidgety with their fidgety, money? Fidgety, yeah. They start to fumble basically. Like जब पैसे भी डाल रहे होंगे तो Now, I will ask you this on camera. Do you do this as well? Because one thing on our tables at least is you are constantly fidgeting with your money all the time.
So much so, I mean, it works because you can't really tell what you have because you do it every turn. Yeah. So what I am doing is I'm playing with them and that is still in an organized way. जो कोई पैसे डाल रहे हैं चिप्स उठाए हाथ ऐसे हिल रहे होंगे एकदम से चिप्स गिरने से एकदम चिप्स गिर जाएंगे डालते हुए एंड वॉइस भारी हो जाएगी लाइक यू विल नोट लाइक ट्राई टू नोटिस दिस अगर कोई एमेच्योर प्लेयर बहुत अच्छे कार्ड्स हैं ये दोनों चीजें होंगी होंगी उनके साथ उनकी बॉडी में इतनी तेज तरीके से सेरोटोनिन दौड़ रहा होता है दैट इट जस्ट फिजियोलॉजिकली नो हाउ टू कंट्रोल इट और हाउ टू की अच्छा बाकी लोग इसको रीड कर लेंगे क्या अच्छा ये ऐसा हो रहा है मेरे साथ इंटरेस्टिंग एंड व्हेन डू यू थिंक showing excitement like, Aman does Gulati he this happens with him sorry reads are sab ki baar bhai ha yaar achhi baat hai na like we should just matlab he's not been on those cast most people have been on those cast chal theek hai like honestly I'm a bad player I know that tell me about my mere game kya rahe bata the few games that we played together barring the alcohol because when I drink alcohol it just goes full intuition all jo bhi thoda bahut and I'm not I'll be honest I don't operate with a lot of mathematical logic yeah. that is the only flaw in your game teri bet sizing bhi jo hoti hai wo us hisab se hoti nahi hai ki like pot pe 2000 3000 pade honge and you'll be like 300 400 if I'm playing against you mere ko 300 dal ke 3000 mil rahe hain agar main weak bhi hunga main khel lunga right I'll be like dekh lete hain aur ki ye risk mere ko ab wohi matlab if I'm getting 300 to 3000 ka return I'm like yeah it's a good enough return for me to put 300 in so even on mediocre hand I'll play against you so you have to put such an amount of money ki main fold kar jaun wahan pe which you don't do at a lot of time what is good about my game nothing No, there are certain good elements to your game. मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे कि मैं analyze कराना। नहीं like okay when you have your hand, तब तेरे को read करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि तेरी कोई bet sizing ऐसे आती है तब समझ में आता है यार ये इसका actual में hit हुआ है नहीं हुआ है इसको मैं play करूँ। I also use my personal reputation for that. क्या पी रखी अभी पैसे अंदर हाँ 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 भाई 100% ये तो है बट आई विल से इन टर्म्स ऑफ जस्ट रिस्क जब तूने पहले शुरू करना होगा ना पोकर खेलना आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉन लाइक ओवर बोर्ड और यू माइट हैव बीन लाइक चुन्नी चुन्नी बेट्स करना आई एम श्योर अब तेरा पोकर खेलने का गेम नो मैटर व्हाट हैपेंस इवन इफ देर आर इमोशंस देर इज प्रॉब्ली रेंज राइट यू हैव लाइक अ प्री सेट मेंटल रेंज आई फाइंड दैट वेन यू फर्स्ट स्टार्ट प्लेइंग दिस गेम People don't really go in with the range, right? It's sort of like you react hand by hand basis. As per what is happening, How do you develop that range? So wait, when you play a lot of times, जब तुमने बहुत बार खेले, तो मैं समझ आता है अच्छा game कैसे चलती है कि अभी तुम खेल रहे हो कि वो if you have like four cards जो तुम्हें बचा सकते हैं like okay if like straight बनना रहता तेरा और तेरे को सिर्फ एक queen से straight बनता है तेरा तू सोचेगा यार मे बी आ जाएगी मैं खेल लेता हूँ हाँ क्वीन आ जाएगी मैं जीत जाऊंगा ये जो होप है ये खराब ये होप हाँ बट When you have seen, तुमने 100 बारी की खेला हुआ है similar hand, you know कि भाई खुली की 2 बारी कोई point नहीं वैसे डालने का Wait for a different hand. And anyway, like there is this quote in poker that your game is based upon the number of hands that you fold and the type of hands that you fold. That is what makes your poker game. तुम्हें सारे hand नहीं खेले तुम 10 में से 9 hand fold करो एक hand जीतो तुम्हें बस वो करना है And yet on our tables I find a lot of people playing all hands. हाँ हाँ भाई यहाँ पे तो It's like a free game until the turn card. Yeah, sab khel rahe hote hain. In terms of just like betting patterns and stuff, I think just standard tarika hota hai. Like, okay, you have small blind right next to the dealer, big blind. Big blind. Yeah. I find that, is it because of boredom that most people just don't raise at the first round? Maine kai baar dekha hai, especially when the game is going longer. Yeah. People are very okay with the status quo. Halka sa bhi koi se disrupt karta hai, usse galiyan padti hain. Yeah, so... वो ये जो जैसे हमारी टेबल पे जो गेम चलती है दैट इज बिट एमेच्योरिश गेम वहाँ पे होता है अदरवाइज इफ यू गो टू अ नॉर्मल गेम वहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि अगर मेरे पास अच्छे कार्ड आए हैं आई विल बेट आउट टू प्रोटेक्ट माय हैंड और ये जो रैंडम लाइक सूटेड कनेक्टर या फिर किसी का 6 7 4 5 या कोई नॉर्मल ऐसे जो खेल जाएगा मान ले 4 5 पे खेल गया और बोर्ड पे 5 5 5 खुल गया लाइक वो बिना बात पे अगर मैंने वहाँ पे स्टार्टिंग में 200 डाले होते तो वो 4 5 पे नहीं खेलेगा राइट सो आई नीड टू बेट आउट इन दैट इनिशियल पोजीशन ताकि ये ऐसे जो सारे रैंडम कार्ड्स वाले वो आउट हो जाए पर वो इस टेबल पे कोई नहीं करता बट अदरवाइज इफ यू प्ले एट एनी गुड लेवल गेम वहाँ पे वट एवर लाइक हम जैसे जो भी तू ब्लाइंड खेल रहा है उसका 5x तो आएगा ही आएगा तेरे को इनिशियली खेलने के लिए
इज देयर अ सैचुरेशन पॉइंट दैट यू कम टू व्हेन यू प्ले विद द सेम प्लेयर्स? नो 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 व्हाई इज दैट? बिकॉज एवरी वन गेम कीप्स ऑन चेंजिंग. लाइक इवन जब तूने खेलना शुरू करा तेरी भी गेम काफी डेवलप हुई, काफी चेंज हुई है. और तू भी खुद देखा कि अच्छा मैंने लास्ट टाइम ऐसे खेला, इस बार मैं ये खेलता हूँ, इस बार थोड़ा अलग तरीके से खेलने की कोशिश करते हैं. सो यू नेवर गेट बोर्ड ऑफ इट. आई हैव सीन यू बेयरली एवर ड्रिंक ड्यूरिंग पोकर. मतलब वी कैन चिल फॉर अ वाइल, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे जब कभी कुछ और कर रहे होते हैं. एंड इट्स वेरी वियर्ड कि ऑल द स्लॉस्ट पार्टीज, अब तो मैं हमने इतनी बार खेल लिया, मैं देखता हूँ ऑलवेज डू वर्स, ऑलवेज डू बैड. एक दो बार फ्लूक लग जाए तो अलग बात है, आउट ऑफ लाइक जस्ट शीयर लिक्विड करेज, बट एवरी वन स्लॉस्ट डज हॉरिबल इन पोकर. यू आर नॉट रीडिंग द गेम और प्लेइंग द गेम प्रॉपरली. तुम गेम समझ ही नहीं हो, तुम्हारा ध्यान गेम पे नहीं है. योर अटेंशन इज नॉट ऑन द गेम. लाइक यू कांट फुली पे अटेंशन टू द गेम. तुम्हारे ऑलरेडी सेंसेस थोड़े वीक हो रखे हैं उस टाइम पे. बट तीन पत्ती एंड अल्कोहल गो वेल स्टिल, बिकॉज़ देन यू आर जस्ट यार वो तो जीवा बस हाथ पत्ते आ गए. हाँ 1000, हाँ 2000, हाँ 5000, आओ ये मेरी गाड़ी चाबी रख लो. वन मोर क्वेश्चन, कैन यू लिव ऑन एन इनकम फ्रॉम पोकर? मतलब आई एम अज्यूमिंग कि व्हाटएवर एक्सपेंसेस यू हैव एटसेट्रा एटसेट्रा यू managed through poker for a while in your life. Throughout my college, undergrad years, this used to be my source of income. That's crazy. यही से सारा manage करता. Poker से financial independence कैसे पाएं? कहाँ देख माँगोगे 299 ये course आ रही है सारे Indian students के लिए जल्दी ही. नहीं but please subscribe करें. But इसमें you've got variable incomes, no? It's not like कि भाई महीने के 70,000 का packet या 60,000 का 30,000 का आ रहा है. So again, अब ये concept आता है bankroll management का. What is that? कि अगर तेरे पास 20,000 रुपये पड़े हैं तो तेरे को कितनी गेम्स खेलनी चाहिए, या फिर इफ यू हैव एक्स अमाउंट ऑफ मनी देन व्हाट बाय एंड शुड बी प्लेइंग, या फिर जब तू टेबल पे बैठा है. सॉरी अनिरुद्ध, दिस अनिरुद्ध डजंट नो हाउ टू प्ले. ही तुम स्टार्टिंग में जीत गए बहुत सारा, उसे मेंटेन कैसे करो पूरी रात के लिए? दैट्स ट्रू फॉर मनी इन लाइफ एज वेल. कि स्टार्टिंग तुम जीत गए, तुम उसको लूज आउट कैसे ना करो पूरी रात के अंदर. बिकॉज इमीडिएटली व्हाट हैपेंस इज आफ्टर यू विन अ लॉट इज अब थोड़ा लूज खेल लेते हैं, थोड़ा अग्रेसिव खेलते हैं, वो उसको कैसे मैनेज करो. देन अगेन यू स्टार्ट लर्निंग कि अच्छा ठीक है मनी कैसे मैनेज होती है, कैसे कहाँ पे रिस्क लेना चाहिए, कहाँ पे यू शुड सेट डाउन एंड वेट इट आउट. सो लाइक ऑल ऑफ दीस थिंग्स कम इनटू प्ले देन. गॉट इट. आई एम ओके. व्हाट वाज या योर क्वेश्चन वाज हाउ डू डू पोकर, हाउ टू लिव ऑफ पोकर, हाउ टू लिव ऑफ पोकर. आई नो कि बहुत सारे लोग रहते भी हैं एंड वी कैन यू नो टॉक अ बंच अबाउट दैट. आई एम जस्ट सेइंग कि फॉर मी इट्स For seeing you doing that is quite impressive because बाकी सब लोग बकचोदी करने आते हैं, आदमी रोटी कपड़ा मकान लेने के लिए आता है, दो अलग चीजें हैं. ऐसा नहीं, for me it is still as just a side income source, like it is not the primary or of course what is just a side thing. But you are like if you can again like with poker there are other things involved, there is camaraderie among friends especially so you, not only do you have fun, you're good at the skill, you end up making money and going back home. But you are an anomaly because बहुत सारे ऐसे लोग होते होंगे, you've been at this for 10-11 years, same way I've been writing for 10-11 years, तो मैं वो आराम से कर सकता हूँ. it doesn't for people starting out right now. Do you think इतना समय required to like make this a side income? No. Just more games. Okay, to get better at it, more games. To make money, वो तो या तुम्हारी तुम कितने पैसे तक खेल रहे हो, तुम्हारे इनिशियल खुद का इन्वेस्टमेंट कितना, अगर तुम 1,00,000 की गेम खेल रहे हो वहाँ पे, तुम 10,000-20,000 जीत कर आ रहे हो, तुम 1,00,000 की गेम जी खेल रहे हो, बड़े वो तो मनी की मेकिंग तो डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर पुटिंग इन. राइट. बट गेटिंग बेटर एट द गेम कम्स विद टाइम एंड प्लेइंग लॉट ऑफ गेम्स. एक एथिकल मॉरल क्वेश्चन. या मुझे ऐसा लगता है एंड आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई हैवंट प्लेड इनफ पोकर दैट यू नो ब्लफिंग इज अ बिग पार्ट ऑफ पोकर. या ओवर प्लेइंग योर हैंड, अंडर प्लेइंग योर हैंड. राइट. What are like the ethical consequences on your personal morality? Or like say if someone lies a lot in poker. Have you seen people's personalities change? Or maybe like, I mean if you don't want to answer, you don't have to. But like, wo same us sense ki jo game ke andar trickery insaan ko use karni padti hai to make money. Does that manifest in personal life as well? Haan, but that is not coming through poker and extending into their own life. That is their own life extending into poker. Interesting. हाँ ब्रो, जैसे हम बात कर रहे थे, एक्चुअली लेट मी जस्ट प्लेस द सी यूर. हाँ, हम लोग बात कर रहे थे कि लोग के जो कॉन्स वगैरह होते हैं वो अपने पोकर के अंदर लेके आते हैं एज अपोज टू द अदर वे अराउंड. कि तुमने पोकर से झूठ बोलना सीखा या फिर वो सीखा तो अपने लाइफ में लेके जा रहे हो कि हाँ देखो झूठ बोलना सीख कर आ रहा हूँ, लाइफ में झूठ बोलूंगा. राइट. नॉट दैट वे. एंड एनीवे
पोकर में झूठ बोलना बिट डिफरेंट और लाइक डूइंग व्हाटएवर ट्रिक्स और मैनिपुलेशन वो अलग चीजें होती हैं जो तुम एक्चुअली अपनी नॉर्मल लाइफ में करोगे राइट. बट हाँ दिस व्हाट आई एम सेइंग कि तुम जब तुम पोकर खेल रहे हो टेबल पे वो जब साइकी वाला फैक्टर आता है तुम लोगों की पर्सनालिटी रीड कर पाते हो. अच्छा ठीक है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं चीजों के ऊपर. ज्यादा छेड़ोगे कुछ लोग परेशान होंगे, रोके घर चले जाएंगे, यार क्या तुम मेरी मार जा रहे हो, ये कर जा रहे हो, वो कर जा रहे हो. सो वो ये सब चीजें वो टेबल पिक करनी पड़ती है. अच्छा ठीक है, हाउ डू वी प्ले द प्लेयर, बंदे को कैसे खेलें. एक्चुअली मतलब फॉर ऑल द शिट वी से अबाउट लाइक पर्सोनास एंड स्टफ, वाकई में इफ यू रियली वांट टू नो पीपल यू शुड हैव प्ले देम प्ले विद देम इन अ गेम, यू विल फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट दे आर. फॉर एग्जाम्पल आई डोंट लाइक कि जैसे मैं सबकी गांड मारता हूँ, अगर कोई अगर हल्का सा जोक ऐसे कुछ उल्टा सीधा बोलता है जस्ट इंस्टेंट रिएक्शन आता है. एंड देन इट वाज ओनली थ्रू पोकर आई रियलाइज किया मैं ये करता हूँ. लाइक मैं सबसे पंगे लेता हूँ, फिर कोई ऐसे बोलता है मैं उसको लिटरली लेता हूँ, लाइक ओ ब्रो आई हैव टू स्टॉप डूइंग दैट. एंड दैट दैट वाज अ हम्बलिंग रियलाइजेशन दैट केम थ्रू पोकर. अदरवाइज आई वुड नेवर और लाइक नो इट लेटर ऑन इन लाइफ. सो या दैट्स फॉर श्योर. दी अदर थिंग दैट आई सी ऑफन हैपनिंग इन पोकर इज people are playing with incomplete logic and missing information all the time. So the more you know, it's like agar ek pai 100 hai tere paas 80 hai, naye navele log 20 20 pe khel rahe hain, you know kisi ke paas 70 hai. And it's very interesting to see ki sab logon ne apne apne chote chote mental model bana rakhe hain. Wo uske bahar nahi ja sakta, wo usi daire ke andar khelta hai. It's for me it's crazy to believe ki that somehow is still compatible aur sab log khel pate hain. It's not like ki everyone has the equal amount of knowledge. Yeah, the game ka rule jo hai, that is very direct, very simple. Sabko do do patte mile, teen patte khulenge, fir ek khulega, to main betting karni hai. And seven mein se bets five combination banana. Right. Ye to basic rule hai. Agar matlab wo log cricket khelna hai, bat ball hai ki ball aise dalte hain, shot aise marte hain, to wo game samajh aa gayi. To kisi ko bhi jo basic rule pata hai wo khel lega. But actually mein game khelni kaisi hai? Like how do you actually प्ले द प्लेयर प्ले द गेम, वो तो अलग चीजें होती हैं. लाइक हाउ द टेक्निक्स आर डिफरेंट. लाइक अगर तेरे बैट घुमाना आता है, तेरे बॉल मारनी आती है, डजंट मीन कि तू छक्का मार लेगा. राइट राइट. सो वो ही कि कैसे खेलो वो विद टाइम और विद प्रैक्टिस होता है. डू यू हैव एनी क्रेजी पोकर स्टोरीज, लाइक अब्सर्ड शिट दैट कैन ओनली हैपन इन पोकर दैट यू रिमेंबर फॉन्डली और लाइक विद सम पीटीएसडी? Absurd shit, नहीं, nothing, नहीं, yeah, no, absurd crazy shit. Wild poker player, जैसे कि मतलब मुझे याद है एक बार हम लोगों ने आई थिंक अक्ष का बर्थडे मनाया था यहाँ पे एक बार. कौन है श्रेया भाई का भाई, वो घर गया था स्पेशली और गॉगल्स लेके आया था अपने टू प्रेडी प्ले पोकर. लाइक ही केम आफ्टर हाफ एन आवर, वी वर ऑल सुपर जस्ट डन, चले गए थे सब. हाँ तो वो फॉर मी लाइक देयर वाज वन लाइक अच्छा दिस ओ प्रकाश बर्थडे. हाँ रात के 2 बजे समय और जो चुल मचाई है. हाँ वो मैंने उसको वो करा था मिस कोड. मैंने कहा मैं घर तक गया हूँ पोकर सेट लेने के लिए. हाँ फ्रॉम 12 to 21. सर वो आपकी अपनी क्योंकि तेरे मन में आके चलो अब यार पार्टी के बाद कुछ पैसा कमा लिया जाएगी तो. बट एक और चीज मैंने रियलाइज करी है, इट्स जस्ट विद पोकर लाइक जैसे हम लेट्स से हम 4-5 दोस्त हैं, वी सिट डाउन टू ड्रिंक एक बियर दो बियर तीन बियर चार बियर, कोई स्पेशल हो किसी का बर्थडे चल 6 बियर, चलो बाय बाय खाना मंगवा लेते हैं बाय बाय. दिस गेम इफ एवरीवन हैज अ टाइम एवरीवन अबैंडन्स एवरीथिंग एल्स एंड जस्ट लाइक पूरी रात ही चलेगा. आई डोंट लाइक ओके फॉर यू मे बी राइटिंग के लिए तू एक जगह पे बैठ के बैठे बैठ के वो कर सकता है काम. पोकर इज ओनली वन थिंग मेरे लिए जो मैं सिर्फ एक टेबल बैठा रहूँगा एक ही चेयर के ऊपर 10 घंटे में वहीं पर ही खुशी खुशी बैठा रहूँगा. देर इज नथिंग एल्स जो मुझे कहीं पर उस अटेंशन के साथ एक जगह बिठा सकती है. क्रेजी लाइक दिस इज ओनली वन थिंग जो मैं हाँ एक चेयर पर बैठा रहूँगा. एंड आई थिंक वही 12 पत्ते आते हैं, इट्स द रश कमिंग इन, इट्स द कार्ड्स, इट्स द मनी फ्लोइंग ऑन द टेबल. एंड ये बेसिक काफ़ी लोगों में इंस्टिंक्ट्स होते हैं इसके. इट्स लाइक कॉन्स्टेंट डोपामाइन हिट आए जा रहे, वो नए पत्ते आ रहे नए पत्ते आ रहे नया गेम नया गेम नया गेम. एंड यू आर प्लेइंग विद मनी, यू आर हैविंग फन, यू आर टॉकिंग टू पीपल. प्लस कोई पोकर का बेस्ट थिंग इज इट्स अ सोशल गेम. इट्स नॉट लाइक तुम अलग से कोने में बैठे हो या फिर तुम बस अपने आप ही कुछ कर रहे हो. यू आर हैविंग गुड टाइम ऑन द टेबल. प्लस इट्स बिल्ट इन रैंडमनेस एज वेल, तभी तो मजे आते हैं. बिकॉज इट्स लाइक अगर चलो लेट्स प्ले लूडो. लूडो के अंदर रैंडमनेस बहुत कम है बिकॉज इट्स अ वेरी लीनियर गेम इन द सेंस कि तुम आगे आगे लेके जाते हो गीटी को. डिपेंडिंग ऑन योर डाइस यू हैव सम चॉइस कि तुम उसको खोल सकते हो काट सकते हो सेव कर सकते हो. गीटी को बढ़ाओ आगे बढ़ाओ, दैट इज वेरी प्रोसीजर रिपीटेटिव गेम.
इन दिस यू आर राइट, देयर इज सो मच एल्स, देयर आर द रूल्स ऑफ द गेम जो स्टैंडर्ड है. एंड देन वही वापस कमिंग बैक टू द इमोशन ऑन द साइकी पार्ट ऑफ इट, दो घंटे लाइक कोई प्लेयर ऐसे होंगे लाइक दो घंटे खेलिए अब उनका वो ड्रेन आउट हो गए होंगे, देन दे विल स्टार्ट टू लूज आउट मनी, तब उनका वो खत्म हो चुका होगा. कि इसमें क्रेजी अमाउंट ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट भी होती है. फॉर एग्जांपल इफ यू फाइंड योरसेल्फ बीइंग ड्राउजी एट अ पोकर गेम, वुड यू गो वॉश योर फेस और लाइक हैव अ रेड बुल, ड्रिंक समथिंग, डू समथिंग टू पंप योरसेल्फ अप? बी लाइक यू हैव टू बी अटेंटिव ऑन द टेबल, लाइक यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग ऐसा क्या चल रहा है, कौन क्या खेल रहा है, सब कुछ देखना पड़ता है. योर आईज हैव टू डार्ट अराउंड. Yeah. The biggest mistake I make is I will focus only on my own cards and like I occasionally do a read when I absolutely have to, and it's usually a face off. I find then it's too late. Because it's the same as ki tum IPL pe kisi ka jaise log satta lagate hain, satta lagane ja rahe ho but you seedha satta lagate ho final pe with having no context about how the teams have been playing, kaun kaun players and all of that. Mujhe Mumbai pasand hai, main Mumbai ka hu. Ha, aur wo na matlab it's still that part that I actually want to, I mean I don't know ki how, I'm pretty sure for you it's like 60-40 science art combination. For 90% of the people who played on this table, it's just art. It's just intuition. It's just hope. It's just very gut feeling. Yeah. And I've seen that gut feeling ruin more lives than anything else. Yeah, wait, gut feeling mein mat khelo. Wait, dekho ke log kya kar rahe hain. Agar koi banda bet maar raha hai, jo usually bet nahi maarta, to wo kisi reason ki wajah se yahan pe bet maar raha hoga. Ek koi aisa player hai jo bahut fold maarta hai. Usne ekdam se out of the blue 280 bet maari. He'll be like, oh, ye टाइट प्लेयर है, अलग से दोस्तों की बैठाई है. और लेट्स से अक्षर एग्जांपल है, अक्षर और मेरे भी काफ़ी हैंड्स हुए, ही वन 3 हैंड्स फ्रॉम मी. मैंने उसको बता दिया था पहले कि तेरा एग्जैक्टली ये पत्ते खुले, वैसे कल रात को भी हमारी गेम हुई, ही बेट आउट एंड मैंने बेट उसे बैठे बोलते तेरे पास ये पत्ते हैंड हाथ के अंदर, बिकॉज आई नो कि जब वो वहाँ पे बैट मार रहा है वो क्यू बैट मारेगा. राइट, तो वही समझना पड़ता है कि अच्छा ठीक कौन क्या बैट मारता है और क्यों मारता है, कब मारता है, ये समझ लो, देन यू नो कि क्या गेम है. बट योर इनिशियल क्वेश्चन वाज हाउ टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ पोकर, एंड दैट इज समथिंग दैट पीपल एक्चुअली डू. इट्स जस्ट अ वन सोर्स ऑफ इनकम. अब तुम एक इनकम आ गई, अब तुम आगे डाइवर्सिफाई करो, इन्वेस्ट करो, दिस बिकम्स अ वन सोर्स ऑफ इनकम. बट यू हैव टू बी गुड एट इट. इट्स नॉट लाइक यू आर पुटिंग इन योर ओन मनी आफ्टर ऑल. इट्स नॉट डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम दैट इज कमिंग इन, यू आर पुटिंग इन मनी एंड मेकिंग मनी थ्रू दैट मनी. हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी खरीद ली, सो नाउ आई जस्ट हैव टू जस्ट डू इट बिकॉज़ इट्स सेल इट आउट. या हाँ, एक्चुअली यू आर राइट, यू आर लाइक इट इजंट समथिंग दैट इफ यू लेट गो कि ओह पोकर मेरा ऑटोमेशन पे चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज़ इट रिक्वायर्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट. मेरे को ये जानना है इधर से, हाउ हैज योर रिलेशनशिप विद मनी चेंज्ड आफ्टर पोकर? हैज इट बिकम मोर काइंड ऑफ वोलेटाइल और हैज इट बिकम मोर बेनिफिशियल? मतलब अभी हम बात कर रहे थे कैपिटलिस्ट की, कई सारे लोग बोलते हैं कि यार कैपिटलिस्ट नहीं होना चाहिए. हम कह रहे थे भी हम तो कैपिटलिस्ट धंधे के अंदर ही, क्योंकि फ़ायदा उसके अंदर ही है. बट फायदा की बात नहीं यार, मतलब लाइफ इट्स ईजियर, इट्स मोर अबाउट हैविंग कंट्रोल ओवर व्हाट यू वांट टू डू. राइट, एग्जैक्टली. नो, व्हाट आई मीन टू से इज कि आई एम श्योर, जैसे कि इफ आई गिव यू माई एग्जाम्पल, when I started making money and I saw that I could make money on my own and eventually pehle to money from just grunt work that is like not enjoyable, but then money from the stuff that I love, so it made me shift my thing, my relationship with money from ki are yaar pata nahi kaise aayega kya hoga to wow I love money. Aur bahut kam log na openly admit karte hain because it's such a sin nowadays to say ki you love money, kyunki ye nahi tumhe usme dal dete hain wo log us wale field ke andar. Cold, calculating, heartless banker or money-minded, I think it's a bunch of BS. Yeah, it is BS. भाई मतलब there's nothing wrong with loving money. कि हाँ भाई like that is how. Especially if you worked hard for it. Right? Hard for it, true. And if you worked hard for it in the right way. अगर तुम सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हो, you're getting into wrong practices for that. Okay, then maybe you can say कि अच्छा okay now you are a bit blindsided by money. But otherwise. I would not call loving money to be wrong. अच्छा, लोगों के लिए अच्छी बात है, हमसे एक बार एक कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं थोड़ा सा कि हम लोग दोस्त कैसे हैं, because I totally forgot about that. We should probably do that. I'll also add something in the start. I'll go first. तू स्कूल में मेरा सीनियर था, मैं भाटियाक्स का दोस्त था, तू भी एक कूल लड़का बन लगता था जिससे तेरी दोस्ती की जा सकती है. Thank you for the validation. It's been what now? I think like 10-12 saal ho gaye hain. I've lost count. But we became effective friends because of
शेयर्ड इंटरेस्ट्स इन 10th 11th ग्रेड प्राइमरीली. उससे पहले भी जानते थे, एक दोस्ती तो थी, बट लाइक ऐसा नहीं था. अब फिर हमारा दोबारा लॉकडाउन की वजह से इकोसिस्टम पोकर के थ्रू, इन सब चीजों के थ्रू बना. एंड देन प्लस यू वर आउट, देन आई हैव बीन आउट. वेरी वियर्ड नो, लाइक इट्स, मैं देखता रहता हूँ हमेशा ये जो पूरा कल्चर है ऑफ पीपल हु जस्ट सॉर्ट ऑफ लिव्ड अब्रॉड. इट्स जस्ट हेट बी लाइक ओके एलिटिस्ट स्टोरी, बट लाइक वो फिर देन यू सडनली हैव मोर शेयर्ड एक्सपीरियंसेस विद द अदर पर्सन, फिर तुम और रिलेट कर सकते हो. बट इट इज लाइक आई डोंट एग्जैक्टली पुट इट एज एन एलिटिस्ट माइंडसेट कि तुम बाहर पढ़ कर आए हो या वो लोग करते हैं ना, मेरे कमेंट्स में लिखते हैं भैया आप ऐसे हैं. एनीवे हां, बट इट like how obviously you have a much broader range of experience that you've had, and that's you can it, yeah, you have more common points to talk about then and experiences to share. I think that's why mereko aisa lagta hai ki friend groups ke andar bina, if you only do one activity together you run a risk of just narrowing what you gain. Huberman lab mein wo kehta na, like addiction is basically the narrowing of what you get pleasure from. Yeah, ha to maine bhi cheez notice kari hai, every single time a new activity has been added to our group of friends, it has only compounded our friendships. Yeah, yeah. As opposed to ki hum ek cheez repetitively 10 saal ke liye karenge, just no shift in dynamic happens as such. Plus okay, this is what I like about ye pura group of dynamic, that everyone is very open to new things. Huh. And just going out experiencing things, or like we don't do one thing at the same time. Acha theek hai, poker bhi khel rahe hain, climbing bhi ja rahe hain, kuch like it's like something or the other is going on and everyone has their own one thing. हाँ क्या अच्छा ये इसका हमें अच्छा है ये activity वो कर रहे हैं सबने अलग अलग extra curricular clubs खोल रखे नहीं भी अच्छी बात है. I mean like you know मैं touch wood करता हूँ ताकि internet बद्दू आने लगा है इस दोस्ती को पर नहीं मेरे को ना कई सारे लोगों ने like even couple of our school friends said कि आप लोगों की सबकी दोस्ती बड़ी अच्छी है क्या कारण है. I just think it's weird because I have never seen a group of guys be open to new experiences. Like generally जो stereotype है at least हमारे शहर के अंदर बड़े ही मैं जो हट्टे कट्टे strong but like not fluid in their conversation या घुलने मिलने के अंदाज के अंदर भी not as comfortable with themselves. हाँ also bro like the amount of jokes we do हंसते रहते हैं non-stop जो बहुत अच्छा लगता है मेरे को. I think हमारी poker table पे इतना हंसी मजाक होता है. मैंने दो तीन और जगह पे खेल लिया, तूने बहुत जगह पे खेला है, पर लाइक सम जोक्स यू मेक दैट यू कैन ओनली मेक हियर बाहर लोग ऐसे देखते हैं कि यार ये तो अच्छा है. या आल्सो मेरे को ऐसा लगता है यू प्रखर एंड भाटिया रन अ वेरी टाइट शिप मैथमेटिकली. मैंने तीन चार जगह जहां और खेला ना हिसाब वसाब कुछ नहीं रखते यार. इस टेबल फिर भी हमारे टेबल पे लूज होता है बट वही बता रहा हूं लाइक डाउन द लाइन काफी अच्छा. अगर तुम माइन्यूट स्टेक्स पे खेल रहे हो तब तो हाँ ठीक है क्या जा रहा है 200-500 जो भी हो, बट इफ यू प्लेइंग एट बिग स्टेक्स तब तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा. नहीं तो तुमने अगर यार किसी की बिग पेमेंट नहीं करी या ज़्यादा पैसे नहीं दिए तो वहाँ पे फिर वो थोड़ा रणनीर होना शुरू हो जाता है और ड्रामे शुरू होते हैं. तो यू हैव टू प्लस ये वही अगर ये ना करो वो फिर रिलेशन खराब करता है. कि अगर तुम पैसे नहीं दे रहे या फिर तुम ढंग से वो नहीं कर रहे वो फिर वहाँ पे वो एक्स वाई जी चीज़ें जो खराब करते हैं उनको आनी शुरू हो जाती है. इससे पहले ही सब कुछ सॉर्ट करके रखो कीबोर्ड में स्ट्रक्चर उड़ कि हाँ ये पैसे हैं ये ऐसे ऐसे चल बी बी लाइक जर्मन्स बी लाइक जर्मन्स. अच्छा हाँ उससे याद आया यू नो द फैक्ट दैट यू आल्सो हैव स्टडीड अब्रॉड फॉर व्हाट 2 years नाउ वन एंड हाफ इयर्स राइट. क्या व्हाट डिग्री आर यू डूइंग? मास्टर्स इन मैनेजमेंट. मास्टर्स इन मैनेजमेंट देख ऑब्वियसली स्टीरियोटाइप्स अबाउट अमेरिका ट्रू फॉर अ रीजन. आई फाइंड दैट Germans are very process driven and they tolerate very little ambiguity. हम लोग high ambiguity tolerance कल बात करते हैं कल के 24 घंटे हैं कभी भी हो सकते हैं right? मैंने experience जो अपना करा है कि going abroad helped me become specific and specificity was very important for everything. ठीक है so I'm just wondering for you your own experience अगर if you can like you were already like a क्या कहते हैं science इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मोर क्या बोलते हैं राइट ब्रेन राइट पहले से ही बट लाइक व्हेन यू गॉट देयर व्हाट पार्ट ऑफ योर यू नो डिसीजन मेकिंग प्लानिंग स्केड्यूलिंग दैट यू टू चेंज कम्प्लीटली डिसिप्लिन. मतलब मेरे में अगर लाइक हमें में जीरो डिसिप्लिन था इससे पहले कभी भी उठ रहा हूँ कुछ भी कर रहा हूँ हाँ ठीक कल कर लेंगे दूसरे को बोलते हैं हाँ मैं लाइक जो भी यहाँ पे भी होते हैं हाँ 8 बजे मिल रहे हैं 8 बजे का 10 बजे मिलने जा रहे हैं जो भी होता है
Germany as compared, they are very, very disciplined people. And they are very, very high in conscientiousness. Hmm. Consciousness very is hard work, working hard, grit, right? Structured, hardworking, disciplined, and then they have this feeling of, what do you call it, doing work or like doing something. Let's shift back. If you want to keep your phone on as well in the background, good idea. Okay, yes. ये होता ना बैकअप रिकॉर्डिंग्स का. अभी मैंने टिम फेरिस ने पहली बार एक पॉडकास्ट एपिसोड निकाला जिसके अंदर हाउ आई बिल्ट अ $300 million डाउनलोड प्लस पॉडकास्ट, और उसने उसके अंदर बात बोली थी आई हैव फोर बैकअप्स. कह रहा मेरी जो फोन की कॉन्फ्रेंस लाइन होता है वो भी रिकॉर्ड कर रही होती है एट एनी गिवन पॉइंट, एंड आई एम लाइक दैट मेक्स सेंस एंड टुडे आई हैड टू यूज़ इट. सो वी हैड ऑडियो हियर. एनी हाउ मूविंग बैक टू द जर्मन आइडिया, राइट? इससे पहले आई कैन अटेस्ट टू इट. एक्चुअली आई बिकम फार मोर डिसिप्लिन्ड आफ्टर द लॉकडाउन, बट अमेरिका में जाके बिल्कुल लौड़े लग गए थे बिकॉज क्लासेस के लिए लेट, मिस हो रही हैं क्लासेस, में जो असाइनमेंट्स दो दो दिन बाद जा रहे हैं. वेट, जर्मनी में कांट डू दैट. यू हैव टू बी ऑन टाइम विद एवरी सिंगल थिंग, अदरवाइज तुम्हारी यू आर शेम्ड. लाइक वहां पे तुम क्लास में लेट घुस रहे हो, योर प्रोफेसर विल कॉल यू आउट एट दैट वेरी मोमेंट, लाइक व्हाई आर यू लेट, यू आर शेम्ड. अमेरिका में लाइक समटाइम्स यू आर शेम्ड, समटाइम्स इट्स लाइक यू जस्ट गेट अ स्मर्क. यहाँ पे तो दे विल कॉल यू आउट लाइक व्हाई आर यू लेट, व्हाई कांट यू बी. आई स्टिल रिमेंबर मेरी 8 o'clock क्लास होती थी सुबह. हॉरिबल टाइम. आई यूज्ड टू बी द लास्ट पर्सन टू बी एंटरिंग दैट क्लास एवरी सिंगल टाइम. ओके, माय क्लास इज लाइक 95% जर्मन्स एंड लाइक 5% इंटरनेशनल पीपल, सो लाइक दे आर यूज्ड टू ऑल ऑफ दिस. मैं एक अलग से आराम से 8 बजे घुस रहा था, यूज्ड टू बी 7:30 एब्सोल्युटली फ्रेश विद द कॉफी ऑन द टेबल, दे लव द कॉफीज, राइट? बट यार लाइक वहाँ पे डिसिप्लिन एंड हाउ टू बी स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ टू बी डायरेक्ट, डायरेक्ट इन आस्किंग फॉर थिंग्स, डायरेक्ट इन पर्सनल बाउंड्रीज, या इन पर्सनल बाउंड्रीज एंड इवन नोइंग क्या चाहिए, क्या व्हाट यू वांट टू डू एंड हाउ टू कम्युनिकेट विद द अदर पर्सन, लाइक नॉट टॉकिंग इन ब्रॉड वेज और कि अच्छा देख लेंगे, सोचते हैं क्या करने वाले, वो बी डायरेक्ट, बी श्योर अबाउट व्हाट यू आर गोइंग फॉर. आई थिंक डेफिनेटली मतलब हमारे कल्चर के अंदर बहुत सारे प्रो पॉइंट्स हैं, द रीजन वाई that's you know why we benefit. The best thing people can pick up from any Western country is the discipline, the structure, the willingness to decide between yes and no. हमारे यहाँ बहुत बड़ा सा एक yes and no के बीच में एक वो होता है, देख लेंगे जी. क्योंकि यहाँ पे like that basically book comes down to the different responsibilities that you have over here and over there. Over there you are on your own. You are responsible for your life. It's not like you have your parents' support pura time ya fir kuch actually. It's like you and your decisions. You're out of your home when you're 18 and you have to keep building on. Yeah. And I mean, you're still like, even if you're out, you're still attached to your families in a way, or maybe you're staying back home. Yeah. There's still ek safety net bana hua hai ki acha hadi ke thoda risk ya kuch wo kar sakte hain. Bahar you don't have that much amount of maneuver space basically. Plus you also have to deal with something that I'm sure you'd loneliness when you first start out. Hai na? I'm sure everyone goes through it. Jo bhi pehle jata hai, no matter how you could be Paris Hilton of like social life, whatever, but like वहाँ पे तुम्हें कोई नहीं जानता, किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ से आए हो, क्या करते हो वहाँ पे, तुम XYZ क्या हो अपनी जगह पे. ये what hometowns do is they build your ego up very quickly because everyone very knows quickly. you, है ना? सब जानने वाले हैं, हाँ जी नमस्ते जी, ये फलाना ढिमकाना, so you feel, and so I always try to go to zero. जब भी मैं कर सकता हूँ थ्रू ट्रिप्स ऑल्सो गो टू अ प्लेस वेयर आई डोंट इवन रिवील मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, कुछ भी नहीं, जस्ट जस्ट बी अ पर्सन हियर. सो दिस इज व्हाट आई डिड इन जर्मनी, लाइक 3-4 months डाउन द लाइन व्हेन आई वाज देयर, आई सैट डाउन विद A4 पेपर ऑल अराउंड मी एंड आई एम लाइक आई राइट डाउन एवरीथिंग अबाउट माय सेल्फ, ओके दीज आर माय इंटरेस्ट, आई बेसिकली रोट डाउन माय होल पर्सनैलिटी ऑन दोज A4 शीट्स एंड देन ओके नाउ आई लुक कि मेरे को क्या कंटिन्यू करना है, क्या नए चेंजेस लेकर आने हैं, क्या मेरे कल्चरली बैक होम अप्रोप्रिएट हैं, क्या यहाँ पे डिफरेंट है, एंड हाउ टू आई बेसिकली रोट एवरीथिंग डाउन. हाउ तूने, आई एम श्योर पीपल सरप्राइज देमसेल्फ्स व्हेन दे गो अब्रॉड, इट्स नॉट लाइक कि चीज़ें तुम इतनी सरप्राइज करती हैं, तुम खुद अपने आप को सरप्राइज कर देते हो कि मैं ये कर रहा हूँ. मेरे लिए वो था कि फॉलिंग इन लव विद स्केट बोर्डिंग, मैंने सोचा था कि यार इंडिया में लॉन्ग बोर्डिंग, अच्छा लॉन्ग बोर्डिंग नॉट स्केट बोर्डिंग, बट आई लॉन्ग बोर्डेड प्रीटी फ्रीक्वेंटली विद लास्ट 2 years of my college life, okay. And I became that guy, okay. जो longboarding करके जाता है, मेरा roommate भी longboarder था,
तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि एक इंडियन लॉन्ग बोर्डर सबके बीच में, अच्छा ये देखिए अपने बोर्ड के साथ आ गया और मेरा बोर्ड और मैं जाते थे हर जगह, मेरे पास एक स्कूट, इट्स लाइक दैट सॉर्ट ऑफ बीइंग एबल टू फ्लर्ट विद दैट आइडेंटिटी, इट्स लाइक मैंने अपने आप को सरप्राइज कर दिया कि यार मैं ये कर रहा हूँ. सो लाइक और तेरे लिए ऐसा क्या था, यू सॉर्ट ऑफ सरप्राइज योरसेल्फ बाय टेकिंग ऑन लाइक अ न्यू एवेटार, लाइक अ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक अ न्यू इंटरेस्ट दैट यू वुड नेवर ड्रीम ऑफ डूइंग हियर. वेट, आई थिंक द मेन वाज बीइंग, या मतलब आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी इनडिसिप्लिन्ड पर्सन एंड विदाउट स्ट्रक्चर और विदाउट, मैं भाई नॉन मेड प्लस बायो ली थी क्या यार, वो तो था कि हां ठीक है पढ़ लिया, लाइक हां जितना भी था पढ़ लिया, बट नॉट इन इट. मैं लाइफ में कभी भी सुबह के, लाइक तेरे भी पता है मैं 3-4 बजे दोपहर को उठता था, लाइक दैट यूज्ड टू बी माय रूटीन. लाइक इन जर्मनी आई यूज्ड टू वेक अप एट 8 o'clock एवरी सिंगल डे, सुबह उठते ही जिम जाता था, पूरा एक डे का प्लान होता था. एंड साथ में इन जर्मनी आई मूव्ड आउट अ लॉट, लाइक आई पुट, ओके सो इन जर्मनी इट्स लाइक इट्स अ प्लेस वेयर पीपल डोंट एग्जैक्टली स्पीक इंग्लिश एंड पीपल आर नॉट एग्जैक्टली एज वार्म एज पीपल आर इन इंडिया, लाइक इतने फ्रेंडली नहीं होते. सो यू हैव टू कंटिन्यूसली कीप ऑन मेकिंग एन एफर्ट ऑन योर ओन एंड टू go out, meet new people, and just to find new people, after jo bhi interact karna, it's like you have to make an additional effort. Because okay, agar tu khud log likhte yahan pe baitha hai, like you have your own friend circle, like jo hai, koi ye Germany se India aaya, tu specially uthke uske paas nahi jayega. Right. Because you already have your friend circle, you already have your own thing, he is someone new over here, he is looking out. So over there, we are the one new ones and we are looking out. So, like jab main Germany bhi gaya, I used to travel a lot. And as soon as Corona hit, I moved to Amsterdam for 5 months. Then I moved to Berlin for another 5 months. Koi matlab main Amsterdam gaya hun subah Saturday, I still remember Saturday 10 a.m. I booked my ticket. Main 2 baje ja raha hun. Saman pack kara, chala gaya. That's the best. 5th week Amsterdam mein reh raha hun. I'm like, ab mere ko Berlin jana. I have to start working on my school kaam again. Wapas ho karna hai. Mere ko Germany wapas chale jana chahiye. Plus I could not stay out of. What did you do for 5 months in Amsterdam? हम लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. ये थोड़ा सेंसर होने वाला है इसके बाद. हाँ. नहीं नहीं, सिर्फ फर्स्ट लेटर बता दे जो भी कुछ है, ABCDEFG सारे सारे थे. नो बट ओके, एम्स्टर्डम वाज एक्चुअली द प्लेस जहाँ पे मैं थोड़ा सुधर गया था लाइफ में. हाँ, लाइक क्योंकि वहाँ पे सब कुछ इतना नॉर्मल है, सब कुछ इतना लाइक वो एक फन वाली चीज होती है ना कुछ गलत करने की, उन्होंने वो सब कुछ निकाल दी, बिकॉज एवरीथिंग इज लीगल वहाँ पे. सो एवरीथिंग इज मंडेन वहाँ पे. माय गॉड, रियली? या इट्स लाइक एवरीथिंग इज लाइक, ओके लेट्स टॉक अबाउट स्मोकिंग अप, लाइक इट्स लीगल ओवर देयर. वहाँ पे इट्स लाइक हाँ यार जब भी हैं कर लेंगे वहाँ पे, और बहुत चीजें करने के लिए. मशरूम खा के यहाँ से वहाँ घूमना एक आम चीज है, इट्स नॉट लाइक सम साइकेडेलिक एडवेंचर. जब भी करना हो ठीक है कर लिया, वहाँ पे ये चीज है कि हाँ जिस दिन टाइम मिला आज कर लिया. इट्स नॉट लाइक प्लान करना पड़ेगा या फिर वो भाई इस दिन ये सेफ स्पॉट है, ये वो है, एक्स वाई जेड थिंग्स. Amsterdam ruined drugs, हाँ, completely. I would not say that. I would not say that at all. No, I think the whole point of having at least psychedelic experiences or any of कोई भी substance आप consume, चाहे alcohol ही क्यों ना हो, जो once the forbidden element goes out of it, it just becomes boring. Then it's like अब मेरे को ये नहीं करना. नहीं करना. You know. Which is why people invent charm chala gaya iska. Which is why people invent crazy drinking games. I mean, I'm sure Germany has lots of them. America had bunch, because you get so tired of doing the same thing. You're like, iske andar kuch romance chahiye. Aur kuch naya chahiye. Yeah, keep building weird games, bro. Like this is a game. This is ab hum ye game khel rahe hain, podcasting a game. Theek hai? Because like, what do I do with my life? Okay, let's play this game. Okay, how do I play a game with several people that requires minimum effort? Let's play around a table and with a bunch of cards. Call it poker. Yeah. Just playing non-stop games to keep ourselves busy, maintain that pleasure, as Andrew Huberman bolta, sustain pleasure over a while. Yeah. Have you listened to that episode, Dopamine wala? Yeah. And it's like, I still do that, ki mere college ki professor ka jo bolte the ki delay karo apna, what do you remember that part when he says ki delay gratification. It's like, I still remember har bari jab bhi main kuch kar raha hota hun. But yeah, wo the one thing that I took away from that podcast was, he's like, apni dopamine ki layering ko kam kar do. Like usne kaha ki, let's take the example of a gym, and gym is a great example. Kyunki maine started going back again in the last 1.5 months. I've noticed ke tab insaan dopamine ki ulti karta hai ek saath. Pre workout lega, best music chalayega,
फिर छोटी छोटी डोपामिन हिट लेके फोन भी चेक करेगा लोगों से, तो वो बेसिकली जिम को इतना सेलिब्रेटरी एक्सपीरियंस एक बार में ही करा देता है कि वो नेक्स्ट टाइम जब जाता ही नीड्स ऑल ऑफ दीज एज अ प्रीरिक्विजिट, इफ ही डजंट बेसलाइन ड्रॉप्स. इट्स लाइक इससे बढ़िया हैव लाइक अ सिंगल थिंग दैट यू डू इन द जिम, इवन लाइक डोंट चेक योर फोन, डोंट डू म्यूजिक, ताकि यू कैन सस्टेन दैट ओवर टाइम. It's like that is true for like in anything. You सारी चीजें एक बार ही मत करो, धीरे-धीरे करो, pan out करो. Yeah, even like if you, for example, when I was a kid, I was like, my God, how much sex in the world is enough? Yeah. And in your life, when you truly have all that sex, like जो ऐसा नहीं हो रहा था कि बस यार, you're beyond the point of उसके बाद like फिर आदमी फिलोसोफर बनता है. ये सब ये भी कर लिया यार, इससे भी नहीं मिला. और वो सही में वो घड़ी होती है, you know, like there's like oh yeah, what is the purpose of life. और वो बहुत बुरी हिट करती है कि यार 16 साल से मैं यही चाहता था, हाँ मिल गया, पर अभी भी. और ऐसा नहीं है कि it's not like you realize it once and then you don't play the game again, you keep playing it, keep realizing it, and like eventually you're like ki, I don't know, like what do old people do, they just like fuck it. But I always get like are acha acha, and like on some level I think we're always like that, like young 16 year old desperate for everything in the world, right? You know, more money, more pleasure, more sex, more experiences. And you get some of those and you're like, this is it. Fucking hedonic treadmill बोलते हैं इसको country लोग. Can anyway, bro, I want to ask you one last thing, and then we will depart. How do you deal with aggression on the poker table? And I say this because हमने encounter नहीं करा, but I've encountered aggression in teen patti. People getting very very rowdy. How do you deal with that? You are always calm. तो जब भी यहाँ पे चीजें होती हैं. You never react, you never say an evil. तू कभी गाली नहीं देता वापस. यार अच्छा देख, तूने गाली दी तो बोले जा रहा है मैं तेरे को वापस गाली दे, क्या पॉइंट होगा उसका? लाइक वो कंपाउंड होता रहेगा. तो इससे मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, तेरे को जो बोलना है तू बोल. गेम जो चल रही है, मैं आई ओनली सी अच्छा डी गेम कहाँ पे एंड हो रही है, आई नो वो गेम कहाँ पे एंड होती है. तेरे को जितनी बकवास जो प्लेयर बीच में बकवास करा करते रहने दो. ये वही वाली बात है भाई, हम तो ना बैटल पे नहीं वॉर पे फोकस करते. एग्जैक्टली. नहीं बट यार सो दिस इज द थिंग इन पोकर कि टेबल पे लोग बहुत होते हैं जो विच हु ट्राई टू इंस्टिगेट यू, या कुछ से कुछ बोलते रहेंगे या फिर परेशान करने के लिए, या करने तो. हाँ एंड इट्स क्रेजी, मतलब कूडोस टू यू बिकॉज़ यू टेक शिट फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल. क्योंकि सब लोग नए नए प्लेयर है, तू पुराना प्लेयर है यार, ये मांगो. मैं तो देखता हूँ क्योंकि मैं उसमें खुद भी जिम्मेदार हूँ, मैं परपेट्रेटर हूँ उसका, मैं भी उसको इंस्टिगेट. हाँ भाई देखो मांगो ना, ऐसे करा तूने अनिरुद्ध को अपनी सीट नहीं दी थी, मैंने पूरा उसका इशू बनाया था पूरे गेम के अंदर. अगर अनिरुद्ध ढंग से उसको प्ले करता ना तो हम तेरे को और गिल्ट करते, उसने करा ही नहीं, वो बीच में आधा सा रह गया, मैं ही उसका पक्ष लेता रहा खामा खाम. अरे प्लस आई नो कि तुम लोग बस पंगे ले रहे हो, कि इट्स लाइक यू आर इंस्टिगेटिंग, कर लो यार. बट लाइक इट्स गुड दैट यू नो, आई थिंक द इशू विद टू मच अल्कोहल एंड पोकर इज पीपल स्टॉप, उनको पता नहीं लग पाता व्हेन समथिंग इज अ जोक. दैट्स व्हेन लाइक योर ईगो गेट्स टू बिग एंड यू कांट लाइक हैंडल अ जोक, एंड लाइक दैट्स अ प्रॉब्लम. बिकॉज All fights, at least in my life, have happened as a consequence of alcohol drinking. Nahin, this is not Alcoholics Anonymous. वैसे कह रहा हूँ. मतलब क्योंकि ना, I haven't seen you drink anyway कभी भी. नहीं, there was this one time on the table where एक बार बस I offered whiskey to everyone. Bloody hell, कोई नहीं पी रहा. And इतना लंबा game चला था, I ended up full flushed. I ended up drinking the entire bottle. but you know, you can still buy my writing course, because what I do in my personal life has nothing to do with how I conduct myself professionally. Haan, theek hai. I think the weather also is looking good. We should head out. Acha, by the way, your social medias are all private, so people cannot reach out to you. They can just go to your profile and hover and udhar se Karthik bhai. Kisko poker seekhna ho, to feel free to reach out to me or to Vinamru. नहीं, इसको ही रीच आउट करना भाई. नहीं मैं यार तेरे भी, नहीं भाई मेरे को ऐसे और बहुत मैसेज आते हैं अजीब से, पता है कैसे कैसे मैसेज आते हैं. एक मैसेज आया भाई, मेरे को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, क्या करूं. अच्छा और आदमी सोचता है कि अपनी रिक्वेस्ट लड़की प्रेग्नेंट कर दी, कहाँ लेके जाऊँ. हाँ नहीं ये नहीं, मैं इनटॉलरेट नहीं करता. मैं ना कभी भी इसलिए उसमें जाता नहीं है, बिकॉज आई हैव फाउंड दैट इफ़ यू एवर डेल्व इनटू डेटिंग एडवाइस और सेल्फ हेल्प एडवाइस. तो आई थिंक प्रकट डज इट वेल, क्योंकि वो उसने एक वो बना रखा है. मैं जब भी करता हूँ ना,
आई गेट द स्ट्रेंजेस्ट रिक्वेस्ट इन माई डी एम्स. बहुत ही वियर्ड. मतलब जैसे होता कि चल मैंने तूने एजी जोक मार लिया, तू मेरा दोस्त है तो हम मारेंगे हंस लेंगे. कोई जब बिल्कुल से एक इंटरनेट का रैंडम स्ट्रेंजर मारता है ना, और इस बात से एनेबल हो गया कि तुमने उसे वो शिक्षा दी है. दिस इज मी ऑफ सर. कॉन्टेक्स्ट भी अलग अलग होता है इन सब चीज़ों का भाई. मतलब इतनी मतलब हम 16-17 साल के एज पे लाइक आर बिगेस्ट जोक वाज देख वो मैम क्या कर रही हैं, ये जो भी व्हाटएवर. लाइक अब इतने एजी बच्चे हैं यार. आई डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड पॉडकास्ट का मतलब तेरे को बताऊंगा. मेरा एक एडिटर था, उसने क्या लिखा था. एनी हाउ ठीक है. दिस हैज बीन फन. वन मोर डिस्क्लेमर दैट आई वांट टू पुट आउट. पोकर इज नॉट एग्जैक्टली लीगल इन इंडिया. प्लेइंग नो सॉरी, ये पहले डालना चाहिए था. मैं भी मेंशन पोकर की मास्टर क्लास ले जा रहा हूँ यार. ये तो देख यार, पोकर तो एकदम लाइफ है ना ब्रो. ऑनलाइन पोकर इफ यू प्ले ऑन लेजर्ड वेबसाइट दैट इज लीगल. होम गेम्स टू अ लिमिट आर लीगल, बट समथिंग दैट इज नॉट लीगल एंड नॉट अलाउड इंडिया में थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं भी अलाउड नहीं होता. दैट इफ यू आर प्लेइंग होम गेम एंड यू आर टेकिंग रेक आउट ऑफ इट और यू आर टेकिंग मनी टू अरेंज दैट गेम. कसिनो वाला बेसिकली यू कांट डू अ होम कसिनो. हाँ, फरीदाबाद में रेड हुई है और होटल्स के अंदर. तो उसमें यही होता है कि जो भी हर पॉट का जैसे जो भी हर हैंड का 5% जो भी जिसका घर होता है जो भी डील करता है राइट. दैट इज इलीगल बिकॉज़ यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ. तो मैं कहना चाहता हूँ भारत सरकार को और हरियाणा पुलिस को कि हालांकि मैंने अपने घर पे कई बार पोखर के गेम्स फ्रेंडली तरीके से मोनोपोली मनी से ऑर्गेनाइज करे हैं, मैंने आज तक एक भी पैसा नहीं मांगा. इनफैक्ट मैं तो पैसे दे देता हूँ. हम पैसा का करते ही नहीं है वो. हाँ. सिर्फ इधर उधर का हिसाब. हाँ. रेंज होता भाई है. हम तो हाजमोला के लिए गेम खेलते हैं कंचों के लिए. लाइक जस्ट लाइक स्क्विड. हैव यू वॉच स्क्विड गेम्स? आई वॉच द फर्स्ट एपिसोड फॉर लाइक 20 मिनट्स. अभी देखना है मेरे को. It's a good series. Yeah. People have been raving about it. It's got so hit that Jeff Bezos was forced to make a statement. ठीक कर रहे हो नेटफ्लिक्स आप? Yeah, seriously. हाँ, he was forced to admit कि my God this show is unparalleled in as. और भाई Jeff Bezos कहाँ से आ गया इसके अंदर? बहुत अजीब से statements मारता है वो. जैसे Elon के 3-4 rockets successful हो गए, लोग कह रहे हैं भाई ठीक कर रहा है तू. On the same hand, Elon Musk says, भाई Jeff Bezos का full time काम है हमें lawsuit भेजना. and now so he इसका कुछ scene हुआ whatever. I think he became what? He got a award or some shit? No. So the thing is, NASA का जो contract है, so NASA पहले से कुछ announce करता था. NASA has now given, NASA is a government organization basically. Right, I know. Or a private, like, जो भी, but it is funded by the US government, या जो भी वो है. It is a government organization. So now NASA has given outside contracts to SpaceX, जो Elon की company है. तो वो ही चल रहा था कि वो किसको कॉन्ट्रैक्ट देंगे, बेलोस की कंपनी को या फिर टेस्ला को या फिर दोनों को देंगे. पर दे गिव इट ऑल टू टेस्ला, टू स्पेसएक्स. तो वहाँ पे वो उसने लॉसूट भेजा है कि तुम सिर्फ एक कंपनी को दे रहे हो, कोल्यूशन है, ब्ला 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 व्हाटएवर. तो इस पे लॉसूट गया है वो कि तुमने सिर्फ एक पार्टी को सारा बिजनेस दिया है. आई लव जेफ बेजोस तो मोर देन इलन मस्क. आई डोंट नो, आई एम नॉट एग्जैक्टली अ फैन ऑफ. I just love how ruthless he is. And yeah, he's bald. He's fucking ruthless. It's like one of the most hardcore card players. पहले तो आपको गंजा होना है so that all your vanity goes away. Literally. I think Elon को गंजा कर दोगे ना, I'm not sure वो इतनी सारी बातें बोलेगा कि Dogecoin खरीदो और ये करो वो करो. क्योंकि गंजा करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है. Like when you, and then you become fully bald. And now you look like a tumor. When you look like a क्योंकि ऐसा भी नहीं है ना कि जैसे कोई दाढ़ी रखता है, कोई कुछ करता है, वो बिल्कुल ही एकदम फ्लैट आउट जस्ट शाइनी हेड. नाउ दैट यू लुक लाइक दैट, लाइक अब मैं करूँगा राज. क्या है मेरे पास? बाल गवा दिए, बीवी गवा दी. मैं तो दैनिक भास्कर के रिपोर्टर की तरह बात कर रहा हूँ. बच्चा क्या है? नो बट मैं बच्चा भी नहीं है ना. नहीं, बच्चे हैं उसके. द रीज़न आई लाइक जेफ बेज़ोस इज़ बिकॉज सब लोग बोलते हैं स्पेस की ड्रीम इलॉन की थी, बट दिस गाय वाज बॉर्न बिफोर हिम. एंड उसने पहले ही ख्वाब देख लिया था कि मेरे को स्पेस जाना है. इट्स वियर्ड. नंबर वन, नंबर टू गाइस को दोनों को स्पेस जाना है. या बट इमेजिन हैविंग द कैपेबिलिटी कि बोलो कि भाई वो रहा मार्स, वो रहा स्पेस में, मेरे को वहाँ जाना है एंड बिल्डिंग ऑल ऑफ इट एंड गोइंग ओवर देयर. तूने भी देखा होगा ना 2000 के नोट, यार मेरे को ये चाहिए, और तूने फिर वो खेला. सॉरी नॉट जू. तूने फिर पोकर खेला. पता है पहले मैं इस वीडियो का टाइटल क्या करने वाला था? आई वाज लाइक सच अ गुड टाइटल. मैं मन में सोचते जा रहा था, आह ये क्या टाइटल होगा, गैम्बलिंग एंड अदर वाइसेस विद कार्तिक मागो.
लेकिन अब मैं नहीं रखूंगा लेकिन अब मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं ऐसे करूंगा एथिकल पोकर प्लेइंग फॉर सीरियस प्लेयर्स ओनली 18 प्लस प्लीज वॉच एट ब्रैकेट ऑल लीगल फुली लीगल इन कंप्लायंस. ठीक है, एक लॉयर हायर करके उस पर आगे नोटिस भी डाल दूंगा फेयर यूज का कि मेनली टॉकिंग फॉर पोकर, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस. I would still keep it as a side income advice. Use it as a side income, then make the money, फिर उसका invest करो. भाई मागो भाई ने बोला था Queen of Hearts पे लगानी है, मैंने लगा दिया, आज मेरा घर बर्बाद. सोच bro, सोच. If people play poker like they play the stock market, people will be ruined. And ऐसा होता है ना, people have like a fetish for like specific numbers कि मैं तो हुक्म पे हमेशा खेलता हूँ. यार रूले टेबल पे क्या होता है, रूले टेबल पे ही तो चलता है, ये नंबर मुझे पसंद है. हाँ. मैं इसे बैट कर रहा हूँ. ऑन दिस नोट, पता है लास्ट वेगस का पिछले क्वार्टर का रेवेन्यू क्या था? क्या $1 बिलियन? दैट्स इट, दैट इज वेरी हाई. लाइक सिर्फ ऑल ऑफ द सिटी, या जस्ट 1 बिलियन? या 1 बिलियन, हाँ इट्स प्रीटी लेस, पूरा शहर. हाँ लाइक फॉर देम इट्स लाइक द सेकंड हाईएस्ट इन लाइक बैक टू बैक हुआ उनका अभी वो, बट व्हाटएवर लाइक अभी उनका हाईएस्ट रेवेन्यू चल रहा है. पोस्ट लॉकडाउन एवरीवन इज बोर्ड, सबको खेलना है. मैं एक बार वेगास गया हूँ और वहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरते ही इट्स द ओनली प्लेस इन द कंट्री, वहीं स्लॉट मशीन और दो तीन लोग खेल भी रहे होते हैं उसको. स्पेशली आई हैव सीन लाइक पीपल फ्रॉम चाइना ओ या देयर, वो अलग ही तरह के वो हैं. लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड स्लॉट मशीन एडिक्ट्स. सो एक्चुअली में चाइना सिंगापुर यहाँ पे गैम्बलिंग का काफी इशू है, एंड इन सिंगापुर दे हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी. That is the max that you can play with. Like if you're a Singapore citizen, like plus to enter in a casino over there, you need your passport or kuch. Aisa kuch hota like. And you can only play like Singapore ke citizens, they can only play with a certain amount of money. Uske beyond unko allow hi nahi karte wo. Wow. Yeah, but as a visitor, aao, jitne paise lene hai, jitne paise dalne hai, dalo. That's but, crazy. Yeah. I know ki Singapore is ruled with a very iron fist. Iron fist, yeah. Kyunki, it's a very structured place. हमारी फर्स्ट फैमिली फॉरेन ट्रिप सिंगापुर की, जैसे इंडियन चले जाते हैं हम हांगकॉन्ग सिंगापुर डोल आते हैं कि हाँ जी हो गया जी फॉरेन होके आ गए हैं जी, कोसामुई थाईलैंड, वो लायन वाले फाउंटेन के आगे, हाँ हाँ सेंटोसा आइलैंड वाली बकचोदी. ठीक है यार, बट मुझे ये याद है कि वहाँ जब 13-14 साल पुरानी बात है, तो एक टैक्सी ड्राइवर कह रहा था हमें कि यहाँ ना च्युइंगम मत थूक देना, अरेस्ट कर लेंगे. तो इट्स लाइक अरे इतना खूबसूरत शहर, ऐसे लोग सीरियसली, बट लाइक यू डोंट रियलाइज कि द रीज़न इट्स एबल टू मेंटेन इटसेल्फ इज इट्स स्मॉल, इजी टू गवर्न, एंड लाइक दे हैव जस्ट द फैक्ट दैट यू मेंशन दैट लॉ कि बिहार के अंदर दारू बंद है क्योंकि बिहार ऐसे अल्कोहल प्रॉब्लम ऊपर नहीं ले सकते हैं, एक पेप्सी ऊपर नहीं ले सकते, नहीं जस्ट बंद है बिहार में अल्कोहल अलाउड ही नहीं है, बंद है. मैं गया था ना तो लोग पूछते रहते हैं आपको ब्लैक में लेनी है तो. बिहार में लोग पता अल्कोहल कैसे पीते हैं? राइस फर्मेंट करके. क्या बात कर रहे हैं? हाँ. कोई बिहारी प्लीज कमेंट में उसको टोक देना. आई नो उड़ीसा और बिहार में होता है. आई हैड दिस वन पर्सन आई मेट इन बोरलैंड जो उड़ीसा से था. हाँ. और बताया कि वो चावल जब वो बनाते हैं उससे पहले वो 2-3 दिन एक जगह पे छोड़ देते हैं और वो जो सारा वाटर है वो फर्मेंट होता रहता है, एंड देन दे ड्रिंक इट एंड ईट द राइस एज वेल साथ में, और वो उसे नशा आता है, फिर वो सो जाते हैं उसके बाद बड़े. और बट दैट इज द होम ग्रोन अल्कोहल फॉर देम. व्हाट, बिकॉज़ आई हैड राइस, मैंने इसका कुछ काफी कॉमन नेम है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग ओवर देयर. नहीं बट आई हैव हैड, मेरी मम्मा ने मेरे को बोला कि दिस इज अ गुड प्रोबायोटिक सम शिट लाइक दैट, इट इज, बट ये सिर्फ एक रात करा था हमने, मतलब एज इन लाइक एक रात पानी में डाले थे चावल, नॉट लाइक कि 3-4 दिन. सो इफ इट गोज, यू आर सेइंग इट जस्ट बिकम्स फुल-फ्लेज्ड अल्कोहल, जितना ज्यादा फर्मेंट होता रहेगा उतना स्ट्रांग होता रहेगा. एनीवे वो ये करना चाहिए भाई, ये अच्छा चीज़ है ये तो, मतलब अपने अपने घर के अनाज के अंदर से चुरा लो, करना डॉक्यूमेंट करना, बताना कैसे एक्सपीरियंस. हाँ, मैं नहीं, आई एम कंसिडरिंग कि जैसे अपने घर के अनाज के अंदर थोड़े जो घर में जाके थोड़े बासमती चावल मिल सकते हैं, नशा करना. Oh my God, bro. मतलब लोगों को पोकर खेलना सिखा रहे, नशे मैंने सही बोला था ना, गैम्बलिंग एंड अदर वाइसेस भाई. और क्या, तूने स्टार्टिंग में कह दिया था मैं कौन मैन हूँ, जैसे कौन कहा था मैंने, कौन सुना था, इट्स ओनली व्हाट द इयर्स वांट टू हियर कॉन्फर्मेशन बायस. एनीवे ब्रो, वी शुड डू एन एपिसोड 2 वेयर वी टॉक अबाउट लाइक अदर नॉन पोकर स्टफ बिफोर यू लीव फॉर जर्मनी, तो वो फॉर श्योर एक सीन करेंगे. Just talking about other shit, but thank you so much for being on those cast. It was a blast. Thank you. It's actually pretty fun. Yeah.
Yeah, bro.